हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? मैं हूँ आलम सर और आप देख रहे हैं आलम बायोलॉजी ट्यूटोरियल। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का 11th चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में वैसे दो चैप्टर है। एक फर्स्ट चैप्टर है आपका बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, और दूसरा चैप्टर है आपका बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर को कल स्टार्ट किए थे। और स्टार्ट में हम लोग कहीं ना कहीं बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़े थे। क्या पढ़े थे हम लोग? बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़े थे। बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है, कितने टाइप का बायोटेक्नोलॉजी होता है, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या क्या चीज़ आता है, उसके अंदर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा झलक देखे थे हम, उसको हम डिटेल में बाद में भी देखेंगे। ठीक है, देन हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर और क्या देखे थे, तो हम देखे थे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर के उसका डिफरेंट टूल्स होता है बायोटेक्नोलॉजी का, जिसमें मेनली तीन टूल्स होता है। एक टूल्स आपका इंजाइम है, दूसरा टूल्स आपका वेक्टर है, और तीसरा टूल्स जो होता है वो होता है होस्ट सेल। ठीक है, जिसमें हम कल के लेक्चर में इंजाइम कंप्लीटली बता चुके हैं आपको। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, कल का लेक्चर अगर देखना है, क्योंकि वो बेसिक चीज़ है इन बायोटेक्नोलॉजी का, और बायोटेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं आपका कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। ठीक है, तो अभी आपको कहीं ना कहीं बेस से चलना पड़ेगा। ठीक है, तो आप मेरा पीछे वाला लेक्चर देख सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन हम इस वीडियो के नीचे डाल देंगे। ठीक है, आप वो भी देख सकते हैं, क्लियर ना? तो कल हम लोग इंजाइम के बारे में पढ़े थे और बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़े थे। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, वो स्टार्ट करने वाले हैं आपका वेक्टर, जो कहीं ना कहीं बायोटेक्नोलॉजी का सेकेंड टूल्स है, बायोटेक्नोलॉजी का सेकेंड टूल्स है। ठीक है, तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर। वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, तो हम बोलते हैं वेक्टर को क्लोनिंग वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, और क्या बोलते हैं इसको, तो इसको हम कैरियर डीएनए भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, कैरियर डीएनए भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, तो इसको हम डीएनए वैकल्स भी बोलते हैं, डीएनए वैकल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो कहने का मीनिंग वेक्टर, वेक्टर क्या होता है, जैसे आप लोग कहीं ना कहीं पढ़े होंगे कि हमारा मलेरिया डिजीज काउज करने के लिए एक वेक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं एनोफिलीज मॉस्किटो। ठीक है, तो एनोफिलीज मॉस्किटो क्या करता है, प्लाज्मोडियम को कैरी करता है, और कैरी करके कहाँ ले जाता है, ऑब्वियसली उस कैरी करके पैथोजन को लाता है और कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में इन्फेक्शन करता है। तो वो वहाँ पे कैरियर, मतलब कैरियर मतलब यहाँ पे क्या, ढोने वाला, जो एक जगह से दूसरे जगह किसी चीज़ को कैरी करके ले जाए, उसे हम क्या कहते हैं, वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, क्लोनिंग वेक्टर, मतलब क्लोन बनाने के लिए जो कहीं ना कहीं वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे हम, उसको क्लोनिंग वेक्टर बोलते हैं। दूसरा कैरियर, कैरियर डीएनए। ठीक है, मतलब जो वेक्टर होगा वो भी वेक्टर भी क्या होगा, एक डीएनए ही होगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं वो क्या करेगा, किसी दूसरे डीएनए को, हमारा जो डिजायरेबल डीएनए है, उस डिजायरेबल डीएनए को वो क्या करेगा, कैरी करेगा। तो डिजायरेबल डीएनए को कैरी करता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, कैरियर डीएनए भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम उसको बोल सकते हैं डीएनए वैकल्स। वैकल्स तो आप जानते हो, किसी चीज़ को ढोने वाला। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप का हो सकता है, किसी टाइप, किसी को ढोने वाला जो वैकल्स होता है सिंपली, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे भी वैक्टर भी क्या करेगा, किसी हमारे डिजायरेबल डीएनए को कैरी करके ले जाएगा, कहाँ से, एक जगह से दूसरे जगह, कहाँ ले जाएगा, तो हम कहते हैं कि होस्ट के अंदर ले जाएगा, हमारे डिजायरेबल डीएनए को कैरी करके ले जाएगा। तो कैरी करके ले जाने वाला क्या कहलाएगा, डीएनए वैकल्स कहलाएगा, या डीएनए कैरियर कहलाएगा, सिंपली क्लोनिंग वैक्टर कहलाएगा। तो वैक्टर है क्या एक्चुअल में, तो हम बोलते हैं वैक्टर एक सेगमेंट ऑफ डीएनए। वैक्टर क्या है, एक सेगमेंट ऑफ डीएनए है। ठीक है, तो हम बोलते हैं वेक्टर होगा क्या भाई, तो वेक्टर क्या होगा, तो हम बोलेंगे इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए है विच कैरीज क्या करेगा, वेक्टर्स एक डीएनए सेगमेंट्स है, विच कैरीज क्या कैरीज करेगा, विच कैरीज फॉरेन डीएनए, विच कैरीज फॉरेन डीएनए, या हम कह सकते हैं फॉरेन डीएनए फ्रैगमेंट्स, विच कैरी फॉरेन डीएनए फ्रैगमेंट्स, और डिजायरेबल डीएनए, डिजायरेबल डीएनए। ठीक है, और हम इसको बोल लेते हैं डीएनए ऑफ इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट। कहने का क्या मीनिंग है कि वेक्टर क्या है, एक सेगमेंट है डीएनए का, डीएनए का सेगमेंट है जो कैरी करेगा, कोई भी फॉरेन डीएनए को कैरी करेगा। ठीक है,
फॉरेन डीएनए बाहर का जो भी डीएनए फ्रैगमेंट्स है उसको कैरी करेगा, या हमारे डिजायरेबल डीएनए। डिजायरेबल डीएनए क्या होगा, देखो जो डीएनए को हम क्लोन करना चाहते हैं, जिस डीएनए का हम क्या करते हैं कॉपी बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो क्योंकि डिजायरेबल डीएनए है तो उसका प्रोडक्ट भी हमारे लिए क्या होगा, डिजायरेबल प्रोडक्ट होगा। तो डिजायरेबल प्रोडक्ट ऑप्टेन करने के लिए, बेस्ट प्रोडक्ट ऑप्टेन करने के लिए जो हम डिजायरेबल डीएनए का यूज़ करते हैं, उस डिजायरेबल डीएनए को कैरी करेगा वेक्टर, ठीक है। दूसरा डीएनए ऑफ इंटरेस्ट, उसी को हम क्या बोलते हैं, डीएनए ऑफ इंटरेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अब बोलोगे कि वेक्टर का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा, तो आप बोलोगे कि अ गुड वेक्टर मस्ट हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। जो एक अच्छा वेक्टर होगा उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, तो सबसे पहला बोलते हैं स्मॉल साइज, इसका साइज छोटा होना चाहिए एंड लो मॉलिकुलर वेट वाला होना चाहिए, लो मॉलिकुलर वेट फॉर लो मॉलिकुलर वेट टू इंक्रीज इट्स स्टेबिलिटी, अपने स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या करता है, इट्स एबिलिटी को इनक्रीज करने के लिए, अपने एबिलिटी को इन्हांस करने के लिए जो वेक्टर का साइज़ होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए, और जब साइज़ छोटा होगा तो उसका मॉलिकुलर वेट भी क्या होगा, कम होगा, ताकि उसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, डीएनए ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट कर सकें, इसीलिए इसका साइज़ छोटा होना चाहिए और लो मॉलिकुलर वेट का होना चाहिए। दूसरा इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, अगर हम कहते हैं वेक्टर का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए, तो हम बोलते हैं कि वेक्टर इट हैज़ एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट। इसके अंदर क्या एबिलिटी होना चाहिए, सेल्फ रेप्लिकेशन का एबिलिटी होना चाहिए, एंड जेनरेट मल्टीपल कॉपीज इनसाइड द होस्ट सेल। क्या इसका मतलब है, देखो सबसे पहले तो जो भी वेक्टर्स होगा उसके अंदर एबिलिटी होना चाहिए रेप्लिकेट का, और जब वो वेक्टर रेप्लिकेट करेगा तो वेक्टर के साथ हम क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हम अपना डिजायरेबल डीएनए डाल रहे हैं, तो जितना ज़्यादा वेक्टर रेप्लिकेट करेगा उतना ज़्यादा हमारा डिजायरेबल डीएनए रेप्लिकेट करेगा, और जितना ज़्यादा हमारा डिजायरेबल डीएनए रेप्लिकेट करेगा उतना ज़्यादा हमें डिजायरेबल उसका क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, ठीक है, या डिजायरेबल जो भी प्रोडक्ट हम ऑब्टेन करना चाहते हैं वो उतना ज़्यादा हमको मिलेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि उसके अंदर सेल्फ रेप्लिकेट करने का एबिलिटी होना चाहिए, दूसरा कि वो मल्टीपल कॉपीज बनाना चाहिए, तो जितना कॉपी उसका बनेगा, जितना नंबर ऑफ कॉपी बनेगा उतना ज़्यादा हमें क्या मिलेगा, उसका प्रोडक्ट मिलेगा, तो हम कहते हैं सिंपली कि ज्यादा से ज्यादा क्या बनना चाहिए, कॉपी बनना चाहिए, क्लियर है ना। नेक्स्ट हम आते हैं, तो हम कहते हैं कि ऐसा वेक्टर हो जो इजिली आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ऐसा वेक्टर हम सेलेक्ट कर लें जिसको निकालना ही मुश्किल हो किसी ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, या किसी को हम होस्ट सेल के अंदर जो इंट्रोड्यूस करेंगे, यहाँ पे होस्ट सेल्स के अंदर जो हम उस वेक्टर को डालेंगे तो होस्ट सेल के अंदर उस वेक्टर को डालना ही मुश्किल हो, ठीक है। तो ऐसा हम वेक्टर सेलेक्ट करेंगे जिसको हम इजिली आइसोलेट कहीं से कर सकते हैं और इजिली उसको हम प्यूरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इजिली आइसोलेशन एंड इजिली प्यूरीफिकेशन हो जिस वेक्टर का, उस वेक्टर को हमें क्या करना चाहिए, चूज़ करना चाहिए, ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये कुछ बेसिक वेक्टर का ये है, एक अच्छा वेक्टर का ये है कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, लेकिन वेक्टर भी क्या है, वेक्टर भी एक डीएनए है, तो उस डीएनए का क्या कैरेक्टर होना चाहिए वेक्टर में, ये तो वेक्टर का नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक हो गया कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो डीएनए वेक्टर की तरह इस्तेमाल हो रहा है उस डीएनए का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, उस चीज़ को अब हम देखते हैं, ठीक है ना। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर चाहो तो, क्लियर ना, ठीक है।
नेक्स्ट जो हमारा क्या यूज हो रहा है, डीएनए इस्तेमाल हो रहा है, उस डीएनए का क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बोलते हैं टू एक्ट एज अ वेक्टर, टू एक्ट एज अ वेक्टर डीएनए मस्ट हैव फॉलोइंग फीचर, कुछ फीचर होना चाहिए। मतलब जो वेक्टर में डीएनए, वेक्टर किस चीज का बनता है, डीएनए का। देखो जैसे हम एक एग्जांपल लेके पहले समझाने की आपको कोशिश करते हैं हम। ठीक है, हमारे पास एक वेक्टर का नाम है, हम ये सब चीज डिटेल में पढ़ेंगे आगे। एक वेक्टर है आपका प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड, ये सब चीज हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप का आपका वेक्टर्स होता है। ठीक है, तो प्लाज्मिड एक वेक्टर है। ठीक है, प्लाज्मिड क्या होगा, इस टाइप का प्लाज्मिड होगा। प्लाज्मिड हम जानते हैं कि प्लाज्मिड क्या होता है, डबल स्ट्रैंड सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए होता है, जिसके अंदर सेल्फ रेप्लिकेट करने का एबिलिटी होता है। ठीक है, किसके अंदर पाया जाता है, तो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया के अंदर ये पाया जाता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। अब ये प्लाज्मिड है तो ऑब्वियसली ये किस चीज़ का बना हुआ है, डीएनए का बना हुआ है। ये किस चीज़ का बना हुआ है, डीएनए का बना हुआ। तो ये डीएनए स्ट्रैंड ही है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ होना चाहिए वो हम आगे देखेंगे कि जब ये डीएनए है, वैक्टर क्या है, एक डीएनए ही है। वैक्टर क्या है, डीएनए ही है, वो वैक्टर नहीं है जो हम कहीं ना कहीं क्या उसको बोल सकते हैं, प्लाज्मोडियम को कैरी करने के लिए फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो यूज करते हैं। तो यहाँ मॉस्किटो वगैरह नहीं है, एक्चुअल में यहाँ पे जो वेक्टर है वो वेक्टर क्या है, आपका डीएनए है। ठीक है, तो डीएनए ही वेक्टर के जैसे यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा था। हम कह रहे हैं कि जो डीएनए हम वेक्टर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं उसका क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। ठीक है, तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या क्या होना चाहिए आपका, तो हम कहते हैं, चलो वो रहने दो, हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि इसके अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, या इसी को बोल सकते हो सिंपली इसके पास क्या होना चाहिए, ओरिसाइट होना चाहिए। ठीक है, हम लोग कहीं ना कहीं मॉलिकुलर बायोलॉजी का पूरा लेक्चर देख चुके हैं। ठीक है, मॉलिकुलर बायोलॉजी हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसका एक कंप्लीट प्लेलिस्ट है मेरे चैनल्स पे, आप अगर चाहो तो वहाँ से मॉलिकुलर बायोलॉजी को आप देख सकते हो, कंप्लीट मॉलिकुलर बायोलॉजी को। ठीक है, हम कहीं ना कहीं वहाँ पे ये सब चीज़ काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है। सबसे पहले तो रेप्लिकेशन क्या होता है, रेप्लिकेशन का मतलब आपको पता है कि डीएनए से डीएनए का सिंथेसिस, कहने का मतलब डीएनए का कॉपी बनाना है। तो डीएनए का जो हम कॉपी बनाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं रेप्लिकेशन बोलते हैं। अब हम कहते हैं कि जिस पॉइंट से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उस पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो जिस पॉइंट से आपका रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा उस पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलेंगे। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को, तो हम कह सकते हैं it represents the sites which start replication। मतलब ऐसा साइट जहाँ से क्या होगा, रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपली ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जब भी होगा तो ये एटी रिच रीजन होगा। क्या होगा, ये एटी रिच रीजन होगा। और वहाँ पे हम ये चीज़ भी बताए होंगे आपको कि अगर हमारे पास प्रोकैरियोट्स है, अगर हमारे पास क्या है, प्रोकैरियोट्स है, तो वहाँ पे सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा, सिंगल ओरिसाइट होगा, हम शॉर्ट में लिख लेते हैं। अगर हमारे पास यूकैरियोट्स है तो यूकैरियोट्स में क्या होता है, यूकैरियोट्स का अगर हमारा रेप्लिकेशन हो रहा है डीएनए का, मतलब यूकैरियोट्स के डीएनए का अगर हम रेप्लिकेशन करेंगे तो वहाँ पे हमारा मल्टीपल, मतलब बहुत सारा क्या होता है, मल्टीपल ओरिसाइट होता है, बहुत सारा ओरिसाइट होता है। ठीक है, तो क्या मतलब है यहाँ पे, मतलब ये है कि वो साइट्स जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, तो जो हम वेक्टर ले रहे हैं इस वेक्टर में कहीं ना कहीं आपका क्या होगा, कहीं ना कहीं आपका ओरिसाइट होगा, कहीं ना कहीं वेक्टर के अंदर क्या होगा, ओरिसाइट होगा। ठीक है, दूसरा अगर मान लो हम कहते हैं कि इस ओरिसाइट से, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाले साइट से अगर हम फॉरेन डीएनए को लिंक्ड कर देते हैं तो फॉरेन डीएनए भी रिप्लिकेट करेगा अलोंग विथ किसके साथ, तो अलोंग विथ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ। तो हम कहते हैं कि इफ इफ एनी फॉरेन डीएनए,
इफ एनी फॉरेन डीएनए, या हमारा जो डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है, सीधा इतना समझो डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। तो इफ एनी फॉरेन डीएनए लिंक्ड विथ, इफ एनी फॉरेन डीएनए लिंक्ड विथ ओरिसाइट इट ऑल्सो रेप्लिकेट along with ओरिसाइट। तो कहने का मतलब कि अगर हम कोई डिजायरेबल डीएनए, या हम सिंपली कह लेते हैं कि हमारे पास कोई फॉरेन डीएनए है, अगर उस डीएनए को हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ अटैच कर देंगे, किस में, वेक्टर में, तो जैसे जैसे ये वेक्टर रेप्लिकेट करेगा वैसे वैसे क्या होगा, हमारा डिजायरेबल डीएनए भी क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा। इट मीन्स कहीं ना कहीं ओरिसाइट्स हमको नंबर को भी बताता है कि कितना कॉपी बना किसी डीएनए का कितना कॉपी का फॉर्मेशन होता है उसके बारे में भी बताता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ओरिसाइट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी ऑफ रेप्लिकेटेड डीएनए कितना कॉपी बनेगा उसको भी क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, ठीक है। रेप्लिकेटेड डीएनए कहने का मतलब यहाँ पे रेप्लिकेटेड डीएनए तो होगा जो जो हमारा ये वेक्टर होगा, उस वेक्टर के साथ तो आपका जो हम डिजायरेबल डीएनए डाल रहे हैं वो डिजायरेबल डीएनए कितना बनेगा उसको भी कंट्रोल कौन करता है, रेप्लिकेटेड डीएनए, या आप कह सकते हो जो लिंक्ड डीएनए है हमारा, ठीक है, कॉपी ऑफ रेप्लिकेटेड डीएनए, और जो हमारा लिंक्ड डीएनए, जो डीएनए को हमने लिंक्ड करा है, किसके साथ हमने लिंक किया है, तो हम जिस डीएनए को इस वेक्टर के साथ लिंक किए हैं और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ लिंक किए हैं उसका कितना कॉपी बनेगा, उस कॉपी को भी कंट्रोल करेगा आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, उसको भी कंट्रोल करता है, ठीक है। तो कहने का मीनिंग क्या हो गया कि ओरिसाइट का क्या क्या फीचर हो गया कि ये ऐसा साइट्स है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, ये आपका एटी रिच रीजन होगा, हमेशा एटी रिच रीजन होगा क्योंकि बबलिंग जल्दी होता है, ठीक है। ये हम रेप्लिकेशन में ऑलरेडी अच्छे से बता चुके हैं कि जहाँ पे एटी रिच रीजन होगा तो ए और टी के बीच का बॉन्ड जो होता है वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो वो ईजिली ब्रेक हो जाएगा और वहाँ से बबलिंग होगा, और बबलिंग होगा तो डीएनए स्ट्रैंड क्या होगा, ओपन होगा, ठीक है। ये सब चीज़ आप रेप्लिकेशन में डिटेल में पढ़ सकते हैं, जाकर के मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे आपका प्रोकैरियोट्स के अंदर सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, यूकैरियोट्स के अंदर मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। हम कहते हैं कि अगर कोई फॉरेन डीएनए को, या हम अपने डिजायरेबल डीएनए को अगर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ अटैच कर दें तो क्या होगा, उससे क्या होगा कि हमारा जब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन रेप्लिकेट करेगा उसके साथ साथ हमारा क्या करेगा, डिजायरेबल डीएनए भी रेप्लिकेट करेगा। दूसरा चीज के कहीं ना कहीं जब ओरिसाइट्स किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है तो वो कंट्रोल करता है कि कितना डिजायरेबल डीएनए का कॉपी बना है, ठीक है, उसको भी कंट्रोल कौन करता है, ओरिसाइट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक हो गया आपका, एक पहला करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है, किसका, तो वो डीएनए जो इस्तेमाल हो रहा है किस चीज़ के लिए, वेक्टर के लिए इस्तेमाल हो रहा है। आप वेक्टर के करेक्टरिस्टिक्स में भी ये सारा पॉइंट्स लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इसलिए हम कहीं ना कहीं उस चीज़ को हम अलग से लिखे हैं, क्लियर ना। अब इस चीज़ को भी रेस करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्लियर। चलो, तो यहाँ तक आपको आई होप सो समझ में आ रहा होगा। देखो, बायोटेक्नोलॉजी हम पहले भी बोल चुके हैं कि एक ऐसा टॉपिक्स है, एक ऐसा चैप्टर है, जो चैप्टर को हम क्या करेंगे, आराम आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझ समझ के पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें रटने की कोशिश ना करें, आराम आराम से आप समझ समझ के पढ़ें, आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है, क्लियर ना। तो नेक्स्ट हम क्या बता रहे थे आपको, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के बाद दूसरा होता है आपका, दूसरा जो करेक्टरिस्टिक्स है वो है आपका सेलेक्टेबल मार्कर। दूसरा करेक्टरिस्टिक्स जो होगा उस डीएनए का वो क्या होगा, सेलेक्टेबल मार्कर होगा। देखो, सेलेक्टेबल मार्कर क्या करता है, सेलेक्टेबल मार्कर इट हेल्प इन सेलेक्शन ऑफ
सेलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट, सेलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट एंड ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। देखो इसको बड़ा बारीकी से समझने की ज़रूरत है। हम बार बार बोल रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी रटने की कोशिश ना करें, आप आराम आराम से समझें कि मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इट हेल्प्स इन सेलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट्स तो ये है, देखो रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या, जैसे हम ये वैक्टर ले रहे हैं, ठीक है। ये वैक्टर के अंदर हम बोल रहे हैं कि ये वैक्टर के पास अभी फिलहाल, ठीक है, कोई डिजायरेबल डीएनए हमने इंसर्ट नहीं करा है, कोई भी डिजायरेबल डीएनए हमने इंसर्ट नहीं किया है अभी तक। तो अभी तक इसको अगर कोई डिजायरेबल डीएनए हम इंसर्ट नहीं कर रहे हैं तो इसको हम सिंपली बोल सकते हैं कि ये क्या है आपका, नॉन रिकॉम्बिनेंट है। और जिस बैक्टीरिया के अंदर ये पाया जाएगा या जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये पाया जाएगा उस ऑर्गेनिज्म को हम सिंपली नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब देखो हम कहते हैं कि इसके अंदर हम कुछ अपना डिजायरेबल डीएनए को इंसर्ट कर देते हैं। मान लो ये हमारा कोई डिजायरेबल डीएनए है, वो हम कहीं से ऑब्टेन किए हैं ये डिजायरेबल डीएनए, ठीक है। और इस डिजायरेबल डीएनए को हम इस वेक्टर के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। इसका प्रोसेस है कम्प्लीटली, हम लोग पढ़ेंगे आगे जा कर के प्रोसेस कम्प्लीटली, बस जस्ट हम समझाने के लिए अभी आपको बोल रहे हैं, ठीक है। और सब कुछ समझ में आएगा और इसी लेक्चर में समझ में आएगा, वेक्टर से रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम्स है सारा का सारा इसी लेक्चर में आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, हम क्या कर रहे हैं आपका डिजायरेबल डीएनए को इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब डिजायरेबल डीएनए को जब हम इंसर्ट कर दिए और मान लो ये डिजायरेबल डीएनए हम कहते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट है, कुछ भी है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट है, ये क्या है, ये एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है, ठीक है। तो जब ये एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन आ गया, जो पहले से इसके अंदर नहीं था। तो ये ओरिजिनल वाला भी इसके अंदर है, ठीक है, और कुछ न्यू भी आ गया है। तो अब जो ये बनेगा ये हमारा क्या बनेगा, रिकॉम्बिनेंट बनेगा, या इसी को आप बोल सकते हो कि ये जिसके अंदर होगा, ये जिस बैक्टीरिया के अंदर होगा उस बैक्टीरिया को हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट बोलेंगे, जिसके अंदर वो होगा। देखो अब क्या है, अब इसको हम एक तरह से और क्लियर करते हैं। मान लो आपके पास ये बैक्टीरिया है, ठीक है, ई कोलाई है, ठीक है, और ई कोलाई के अंदर ये वाला वेक्टर है, मान लो ये वाला वेक्टर है, ठीक है, ये वाला वेक्टर है जिसके पास क्या है, कुछ डिजायरेबल डीएनए यहाँ पे है, डिजायरेबल डीएनए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो आपका वेक्टर है ये वेक्टर रिकॉम्बिनेंट है, ये वेक्टर क्या है यहाँ पे, ये रिकॉम्बिनेंट है, ये क्या है आपका, ये रिकॉम्बिनेंट है, क्लियर ना। और इस और ये किसके अंदर है, ई कोलाई के अंदर है, तो ई कोलाई आपका ट्रांसफॉर्म्ड सेल है, क्या है ई कोलाई, ये आपका ट्रांसफॉर्म्ड सेल है या कह सकते हो ट्रांसफॉर्मेंट है, ठीक है, क्या है, ट्रांसफॉर्म्ड सेल है या ट्रांसफॉर्मेंट है, क्लियर ना। कहने का मीनिंग के रिकॉम्बिनेंट क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट में जिसके अंदर हमारा डिजायरेबल डीएनए होगा वो रिकॉम्बिनेंट होगा, और ट्रांसफॉर्मेंट क्या होगा, जिसके अंदर हमारा रिकॉम्बिनेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट बोलेंगे, ठीक है। और रिकॉम्बिनेंट क्या होगा, जिसके अंदर हमारा डिजायरेबल डीएनए होगा। देखो बस स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंस है, ट्रांसफॉर्मेंट का मतलब जैसे जिसके अंदर हमारा क्या है रिकॉम्बिनेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट बोलेंगे, ठीक है, और जिसके अंदर हमारा डिजायरेबल डीएनए उसको हम रिकॉम्बिनेंट बोलेंगे, ठीक है, क्लियर हो रहा है बात, आई थिंक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब क्या कहते हैं हम, जैसे मान लो हम यहाँ पे बोलते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये वाला जो आपका क्या था, वैक्टर था, ये वैक्टर मान लो ये वाला वैक्टर जो था, अब मान लो ये वैक्टर भी किसी
किसके अंदर है, इकोलाई के अंदर है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये भी वेक्टर है, और ये जो इकोलाई है, और इकोलाई के अंदर क्या है, ये वाला वेक्टर है मान लो, सॉरी ये वाला वेक्टर है, और जो वेक्टर क्या है आपका नॉन रिकॉम्बिनेंट है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि इसे ये जो आपका वेक्टर है, इस वेक्टर के पास कोई एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन नहीं है। जब एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन नहीं है तो ये जिस इकोलाई के अंदर है वो इकोलाई एंटीबायोटिक से रेसिस्टेंट नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। कहने का मीनिंग, जो यहाँ पे आपका वेक्टर है उस वेक्टर के पास कोई एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन नहीं है। अगर ये नहीं है तो जो इकोलाई है वो भी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट नहीं होगा। लेकिन जब हम इसके अंदर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन को मान लो इंसर्ट कर दिए, ठीक है, अब ये एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन क्या करेगा, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन क्या करेगा, जिस वैक्टर के अंदर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है ऑलरेडी, तो वो वैक्टर क्या करेगा, वो वैक्टर जिस इकोलाई के अंदर होगा, जिस बैक्टीरिया के अंदर होगा, वो बैक्टीरिया क्या होगा, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट होगा। मतलब एंटीबायोटिक्स का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पे वेक्टर है वो वेक्टर डिसाइड करेगा कि जो ट्रांसफॉर्मेंट है वो किस टाइप का होगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम कहते हैं कि सेलेक्टेबल मार्कर क्या करता है। अब देखो सेलेक्टेबल मार्कर क्या करेगा, सेलेक्टेबल मार्कर ये करेगा कि ये एक आपका प्लाज्मिड है, उस प्लाज्मिड के अंदर अगर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है तो वो क्या करेगा, वो क्या होगा, एक टाइप का रिकॉम्बिनेंट होगा। हम यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट की बात कर रहे हैं पहले, ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके से भी समझते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो हम कहते हैं कि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन, इसको और डिटेल में हम कहीं ना कहीं जब एग्जाम्पल लेकर के हम समझाएंगे, एग्जाम्पल मतलब जब हम प्लाज्मिड वैक्टर पर आएंगे, डिफरेंट टाइप का वैक्टर हमको पढ़ना है, तो जब हम प्लाज्मिड वैक्टर पर आएंगे वहाँ पर हम डायग्राम से समझाएंगे कि कैसे ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे ये समझो कि कुछ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन होता है जो हमें सेलेक्ट करने में मदद करता है, किस चीज़ को, रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट को सेलेक्ट करने में मदद करता है, या ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को सेलेक्ट करने में मदद करता है। उसी तरीके से आपका कुछ इंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन भी होता है जो हमें सेलेक्ट करने में मदद करता है रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट को। ठीक है, तो हम फिलहाल इसको देखते हैं कि क्या है। तो हम कहते हैं कि सेलेक्टेबल मार्कर क्या होगा, मतलब वो चीज़ जो हमें सेलेक्ट करने में मदद करेगा कि हमारा रिकॉम्बिनेंट है या नॉन रिकॉम्बिनेंट है। ठीक है, ये इतना आसान नहीं है कि इतना आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। हम कहीं ना कहीं इसको अभी जब एग्जांपल लेकर के बताएंगे, अभी तो हम कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं वेक्टर का, जब हम एग्जाम्पल लेंगे, खास करके जब हम प्लाज्मिड वाला एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, PBR322 को जब हम बताएँगे तो वहाँ पर हम बताएँगे कि ये कैसे काम करता है और इसका क्या यूज़ है। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर क्या क्या हो सकता है। तो सेलेक्टेबल मार्कर क्या हो सकता है, तो हम बोलते हैं कि सेलेक्टेबल मार्कर कोई एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन हो सकता है, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन हो सकता है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स मेनली आपका कौन कौन सा एंटीबायोटिक्स यूज होता है, तो हम बोलते हैं टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोएम्फेनिकॉल, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन हो गया, क्लोरोएम्फेनिकॉल हो गया आपका, इसके अलावा आपका केनामाइसिन, ठीक है, ये डिफरेंट टाइप का कहीं ना कहीं आपका एंटीबायोटिक्स इस टाइप का रेसिस्टेंट एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन हो सकता है, किसके अंदर, इकोलाई के अंदर, किसके अंदर, इकोलाई के अंदर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन हो सकता है। अगर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन जिसके अंदर पाया जाएगा वो बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक से रेसिस्ट करेगा, जैसे मान लो किसी के अंदर टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन है, ठीक है, किसके अंदर, उसके प्लाज्मिड के अंदर, किसी बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के अंदर टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन है, तो वो बैक्टीरिया क्या करेगा, वो बैक्टीरिया टेट्रासाइक्लिन से रेसिस्ट करेगा अपने आप को। ठीक है, एंटीबायोटिक्स क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करता है, लेकिन यहाँ पे हम कहते हैं कि टेट्रासाइक्लिन में अगर हम टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग बैक्टीरिया को डालेंगे तो उस बैक्टीरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है। ठीक है, उसी तरीके से एक दूसरा भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है, और वो है एंजाइम प्रोड्यूसिंग
जीन, इंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन। इंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन में सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है लैग जेड। लैग जेड एक जीन होता है जो प्रोड्यूस करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जो क्या बनाता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है। क्या बनाता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है। ठीक है, तो हम कहते हैं, हम क्या बोल रहे हैं आपको, हम बोल रहे हैं कि मार्कर जो होगा सेलेक्टेबल मार्कर, सेलेक्टेबल किसको सेलेक्ट करने के लिए, रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट को सेलेक्ट करने के लिए, जो मार्कर होगा वो या तो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन होगा या आपका इंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन होगा। कैसे ये काम करेगा ये हम आगे अभी देखेंगे, क्लियर ना, ये अभी हम आगे देखेंगे कैसे ये काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं कहीं ना कहीं आपका जो थर्ड होगा इसके अंदर, वो थर्ड क्या है, तो थर्ड आपका होता है क्लोनिंग साइट। थर्ड क्या होता है आपका, तो थर्ड होता है आपका क्लोनिंग साइट। देखो ये तीसरा वाला है, तो पहला मेरा क्या था, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, दूसरा क्या है, सेलेक्टेबल मार्कर। तो कहने का मतलब जो डीएनए हम वेक्टर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उस डीएनए का करेक्टरिस्टिक्स क्या है, पहला उसके अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, दूसरा उसके अंदर सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, और तीसरा उसके अंदर क्या होना चाहिए, क्लोनिंग साइट होना चाहिए। ठीक है, तो क्लोनिंग साइट क्या होता है, क्लोनिंग साइट वो साइट्स होता है जहाँ पे क्या होता है, हमारा रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियर जा करके कट करता है किसको, वेक्टर को, और उसी कटिंग पॉइंट्स पे क्या होता है, हम अपना डिजायरेबल डीएनए को इंसर्ट करते हैं। तो हर वेक्टर के अंदर ये एबिलिटी होना चाहिए कि उसके अंदर कुछ हमारा क्लोनिंग साइट होना चाहिए, या इसी को हम बोलते हैं रिकॉग्निशन साइट भी बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिकॉग्निशन साइट भी बोलते हैं, रिकॉग्निशन साइट भी बोलते हैं। मतलब वो साइट जिस साइट्स पे क्या होगा, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस कट करेगा किसको, वेक्टर को कट करेगा, और वहाँ पे हम हाँ अपना डिजायरेबल डीएनए को क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो वो साइट क्या कहलाएगा आपका, क्लोनिंग साइट कहलाएगा। तो किसी भी वेक्टर में एटलीस्ट कम से कम एक होना चाहिए, वेक्टर शुड हैव एटलीस्ट वन क्लोनिंग साइट फॉर, किसके लिए चाहिए क्लोनिंग साइट, फॉर रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस, फॉर रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस, सो दैट, सॉरी क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस, सो दैट वैक्टर कट एट अ पार्टिकुलर साइट वेयर आवर डीएनए ऑफ इंटरेस्ट इज इंसर्टेड। तो ऐसा साइट्स जहाँ पे हम अपना डीएनए ऑफ इंटरेस्ट को क्या करते हैं, इंसर्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक साइट ऐसा होना चाहिए वेक्टर के अंदर जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस जाकर के कट करेगा, और रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस जब जाकर के कट करेगा तो उस कटिंग पॉइंट्स पे क्या होगा, हमारा जो डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये सारा कैरेक्टर किसके अंदर होना चाहिए, एक वेक्टर के अंदर होना चाहिए। तो मेन ये तीन चीज़ें, आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, और तीसरा चीज़ होना चाहिए आपका क्या होना चाहिए, क्लोनिंग साइट होना चाहिए या रिकॉग्निशन साइट होना चाहिए। कुछ वेक्टर्स में और भी डिफरेंट डिफरेंट साइट्स होता है, हर वेक्टर का अलग अलग है, लेकिन ये तीन चीज़ हर वेक्टर में होगा। ठीक है, और एक और होता है कहीं ना कहीं, उसको हम बोलते हैं रोप साइट। एक और होता है आपको जिसको हम बोल सकते हैं रोप साइट। देखो रोप साइट क्या है, ठीक है, रोप साइट क्या होगा, तो रोप साइट को हम सिंपली क्या बोलते हैं कि रोप साइट्स वो साइट है जो कहीं ना कहीं रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर रेप्लिकेशन। ठीक है, तो ये वो साइट्स है जो कहीं ना कहीं क्या करेगा, सिंथेसाइज या सिंपली कह सकते हो इट्स सिंथेसाइज प्रोटीन फॉर रेप्लिकेशन। तो मतलब ये वो साइट होगा
जहां से क्या होगा, प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। किस चीज के लिए? रेप्लिकेशन के लिए प्रोटीन का जो सिंथेसिस होगा उस साइट को हम क्या बोलते हैं, उस साइट को हम रोप साइट बोलते हैं, ROP रोप साइट बोलते हैं। ठीक है, तो कहने का मीनिंग ये है कि हमारे पास ये साइट जरूर होगा क्योंकि रेप्लिकेशन होना है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा। दूसरा, सेलेक्ट करना है कि रिकॉम्बिनेंट है या नॉन रिकॉम्बिनेंट है, उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, उसके लिए हमें सेलेक्टेबल मार्कर चाहिए होगा। तीसरा कि हमको कहीं ना कहीं क्या चाहिए होगा, रिकॉग्निशन साइट चाहिए होगा, मतलब ऐसा साइट जहां से हम उसको कट कर सकें। किस चीज़ से? रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से। और उसी साइट पे हम क्या करेंगे, जो हमारा डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है या हमारा डिजायरेबल डीएनए, उसको हम वेक्टर के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। और वेक्टर के अंदर जब जाकर के वो अटैच होता है, फिर उस वेक्टर को हम किसके अंदर ट्रांसफ़र करेंगे, होस्ट के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस हम धीरे धीरे देखेंगे, क्लियर ना। और एक क्या होना चाहिए, रोप साइट होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो एक कॉमन चीज़ है, ये चार कैरेक्टर होना चाहिए सारे वेक्टर्स के अंदर। ठीक है, लेकिन लेकिन कुछ वेक्टर्स के अंदर और भी डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर पाया जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं एक TI प्लाज्मिड होता है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है, उसके अंदर एक वीर जीन पाया जाता है जो कहीं ना कहीं वायरुलेंट नेचर का होता है। ठीक है, लेकिन वो अदर वैक्टर्स में नहीं पाया जाता है। तो हर वैक्टर्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट आपका साइट हो सकता है, लेकिन ये बेसिक साइट्स है जो कहीं ना कहीं हर DNA के हर वैक्टर के अंदर पाया जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है आपको, क्लियर ना। चलो अब इसको हम ख़त्म करते हैं। अब हम क्या देखते हैं, तो अब हम देखते हैं कहीं ना कहीं टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर को देखते हैं। ठीक है, अब इसको मिटा दें, क्लियर। चलो अब हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स के वेक्टर्स को, तो वेक्टर क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो हम पहले उसी को लिख लेते हैं। तो हम बोलते हैं वेक्टर मे बी, वेक्टर मे बी क्या क्या वेक्टर हो सकता है। ठीक है, तो वेक्टर में भी या तो प्लाज्मिड हो सकता है, क्या हो सकता है वेक्टर में भी, या तो प्लाज्मिड हो सकता है, या आपका कॉस्मिड हो सकता है, या आपका फाज्मिड हो सकता है, फेजमिड कह सकते हो, फेजमिड हो सकता है। ठीक है, या आपका फेजमिड के अलावा जो वेक्टर होगा, ठीक है, वेक्टर आपका एक ये भी होता है PUC वेक्टर, वो तो इसी में आ जाएगा आपका, फाजमिड हो गया। हाँ, एक या ये भी होता है, बैक होता है, इसको बोलते हैं हम बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, यैक, यैक मतलब ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हो सकता है, क्रोमोसोम हो सकता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है अगर आपका वेक्टर, तो हम बोलते हैं सिंपली वेक्टर आपका ट्रांसपोजोन भी वेक्टर की तरह काम करेगा, ट्रांसपोजोम, ट्रांसपोजोम, ट्रांसपोजोन आल्सो एक्ट एज वेक्टर, ये भी वेक्टर की तरह काम करेगा। और कोई वेक्टर हो सकता है, तो आप बोलते हैं कुछ फाज होगा, बैक्टीरियोफाज, वो भी वेक्टर की तरह काम करेगा, बैक्टीरियोफाज, ये भी बैक्टीरियोफेज, ये भी किसके तरह काम करेगा, वेक्टर के तरह काम करेगा। ठीक है, तो हम कहते हैं कि डिफरेंट टाइप का वेक्टर्स आपका हो सकता है, ट्रांसपोजोम्स। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप का वेक्टर्स आपका हो सकता है, क्लियर ना। तो ये सारा वेक्टर को हमें पढ़ना है, प्लाज्मिड वेक्टर होता है, कॉस्मिड वेक्टर होता है, फाज्मिड वेक्टर, ये सारा वेक्टर को हम एक एक करके अभी स्टडी करेंगे। ठीक है, और हर वेक्टर को हम जब स्टडी करेंगे, इस समय अगर आपसे पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन वेक्टर कौन कौन सा है, तो आप बोलोगे मोस्ट कॉमन वेक्टर एक तो प्लाज्मिड वेक्टर है और दूसरा बैक्टीरियोफाज है, ये दोनों आपका मोस्ट कॉमन वेक्टर है, मोस्ट कॉमन वेक्टर यूज्ड इन, कॉमन वेक्टर यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी RDT में, दो ये और ये दोनों आपका सबसे मतलब कॉमन वेक्टर है जो इस्तेमाल किया जाता है रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में, कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है। आगे हम देखेंगे बैक्टीरियोफाज में भी आपका लेमडा फाज होता है, बैक्टीरियोफाज में भी आपका M13 फाज होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये सब भी हम आगे डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आप ये सब चीज़ को हम अब डिस्कस करेंगे, क्लियर। तो सबसे पहले हम आते हैं किस चीज़ पे, सबसे पहले आते हैं हम प्लाज्मिड वेक्टर पे। ठीक है,
इसको नोट डाउन आप कर सकते हो, नहीं तो एक एक करके वैसे भी हम इसको डिस्क्राइब करेंगे अभी, ठीक है। तो हम आते हैं सबसे पहले प्लाज्मिड वेक्टर पे। सबसे पहले हम आते हैं प्लाज्मिड वेक्टर पे। देखो प्लाज्मिड वेक्टर क्या होगा, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्लाज्मिड क्या होगा। प्लाज्मिड क्या होगा भाई, तो प्लाज्मिड को हम बोलते हैं कि कहीं ना कहीं ये आपका एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल सर्कुलर डीएनए होता है मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर सेल्फ रेप्लिकेट करने का एबिलिटी होता है, ठीक है। तो प्लाज्मिड क्या है, तो प्लाज्मिड को बोल सकते हो आप कि ये क्या है, डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट इनसाइड द बैक्टीरिया, ठीक है, विच हैज़ एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, ठीक है, क्या कर सकता है ये, सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं इट इज एन ऑटोनोमस डबल स्ट्रैंड इट इज एन ऑटोनोमस डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए विच हैव एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट इनसाइड द बैक्टीरिया। और ऐसा नहीं कि बैक्टीरिया सिर्फ और सिर्फ आपका सॉरी प्लाज्मिड सिर्फ बैक्टीरिया में पाया जाता है, प्लाज्मिड अदर एनिमल में मतलब ऑर्गेनिज्म में भी पाया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये बैक्टीरिया में पाया जाता है, ठीक है। तो ये ऑटोनोमस होता है, ऑटोनोमस मतलब इंडिपेंडेंट होता है, इसको कहीं ना कहीं बैक्टीरियल क्रोमोजोम से कोई मतलब नहीं है, इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। डबल स्ट्रैंड होता है, सर्कुलर होता है, या हम इसको ये भी बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, ठीक है, सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है, जो इसके अंदर एबिलिटी क्या होता है, सेल्फ रेप्लिकेट करने का एबिलिटी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपली प्लाज्मिड बोलते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मिड को हम किसके तरह इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि हमारा क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, क्या फुलफिल कर रहा है क्राइटेरिया, कि इसके अंदर सेल्फ रेप्लिकेट करने का एबिलिटी है, और ये एक डीएनए है तो सेल्फ रेप्लिकेट करने का एबिलिटी है, तो हम कह सकते हैं कि क्या कर सकता है ये, एज ए वेक्टर इस्तेमाल हम प्लाज्मिड का कर सकते हैं, ठीक है, प्लाज्मिड का इस्तेमाल हम एज ए वेक्टर कर सकते हैं, क्लियर ना। अब हम बोलते हैं कि सबसे पहला जो आपका ये ड्रॉ किया गया था आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर, फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर जो था प्लाज्मिड वेक्टर में ही हम एक चीज़ देख लेते हैं पहले, कौन कौन सा प्लाज्मिड वेक्टर होता है। तो इसका एग्जांपल जैसे हो जाएगा आपका PBR322, PBR325, PBR, पी हम स्मॉल लेते हैं, सॉरी हर जगह पी क्या लेंगे हम स्मॉल में लेंगे, पी हम स्मॉल में लेंगे, PBR322, PBR327, PUC, ठीक है, इस टाइप का डिफरेंट आपका क्या होता है, प्लाज्मिड वेक्टर होता है, PUC डिफरेंट टाइप का क्या होता है आपका, प्लाज्मिड वेक्टर होता है, ठीक है। ये सब वेक्टर कहीं ना कहीं आपका आर्टिफिशियल वेक्टर है, जो प्लाज्मिड से क्या किया गया है, फॉर्मुलेट किया गया है, किसे फॉर्मुलेट किया गया, प्लाज्मिड से फॉर्मुलेट होने वाला ये सारा का सारा आपका क्या है वेक्टर है, जो किससे बना है, जो कहीं ना कहीं आपका प्लाज्मिड से बना है, ठीक है। तो हम एक एक करके देखते हैं, इसका हमें करेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है, किसका किसका करेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है, आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसको तो पढ़ना ही है, मस्ट है, ठीक है, इसका करेक्टरिस्टिक्स आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है, ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा में हम इसको भी थोड़ा सा देख लेंगे, बाकी को हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप उसको याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, हम आते हैं PBR322 पे, तो हम आते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ PBR322, या सिंपली हम बोलते हैं सबसे पहले PBR322, PBR, पी हमेशा हम स्मॉल लेंगे, PBR322, अगर इसकी बात करते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर था, तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ फर्स्ट क्लोनिंग वैक्टर है ये सबसे पहला आर्टिफिशियल क्लोनिंग वैक्टर कौन है, तो हम आप कहोगे सबसे फर्स्ट जो आर्टिफिशियल क्लोनिंग वैक्टर है वो क्या है आपका, वो PBR322 है, ठीक है, PBR322, इट इज़ कंस्ट्रक्टेड बाई, ये कौन कंस्ट्रक्ट किया था, तो आप कह सकते हो इट इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय
बॉलीवर एंड रॉड्रिग, जेड लास्ट में है, ठीक है, रॉड्रिग, ये इसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया था, बॉलीवर एंड रॉड्रिग इसके द्वारा ये कंस्ट्रक्ट किया गया था। पहला आपका क्या है, आर्टिफिशियल वेक्टर है, फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर है जिसको डिजाइन या जिसको कंस्ट्रक्ट कौन किए थे, बॉलीवर एंड रॉड्रिग इसको कंस्ट्रक्ट किए थे, ठीक है। इसमें अगर हम देखें क्या है ये हमारा, तो हम देखते हैं कि PBR 322 को अगर हम देखते हैं तो इसका नाम, ये नाम क्यों दिया गया है, तो हम बोलते हैं कि ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यहाँ पे पी किसको स्टैंड कर रहा है, पी प्लाज्मिड को बता रहा है, पी किसको बता रहा है, प्लाज्मिड को बता रहा है, बी किसको बता रहा है, तो बी बॉलीवर को बता रहा है, ठीक है, और आर किसको बता रहा है, तो आर रॉड्रिग को बता रहा है, किसको बता रहा है, रॉड्रिग को बता रहा है, ठीक है। और ये 322 क्या है, तो 322 है कि जो रॉड्रिग का लैबोरेटरी था उसमें कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि प्लाज्मिड से ये कितने नंबर का क्या मतलब फॉर्म किया गया है, प्लाज्मिड का कितने नंबर का ये क्या है आपका वेक्टर है, ठीक है, तो कितने नंबर का वेक्टर है प्लाज्मिड का उसको बताता है कहीं ना कहीं आपका 322, ठीक है। तो हम कहीं ना कहीं डिस्टिंग्यूश करने के लिए भी कि प्लाज्मिड का डिफरेंट वेक्टर्स है, तो डिफरेंट वेक्टर्स को डिस्टिंग्यूश करने के लिए हम बाहर से एक नंबर देते हैं, हर किसी वैक्टर को एक नंबर देते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम कहीं ना कहीं PBR 322, ठीक है। आप कहोगे सर इस वेक्टर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होगा, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में आप पहले तो ये चीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकता है इस वेक्टर का, इस वेक्टर का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा, तो कोई भी वेक्टर का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, सबसे पहले उसके अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा, तो इसके अंदर भी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा, दूसरा इसके अंदर सेलेक्टेबल मार्कर होगा, होता है जनरली सारे वेक्टर्स के अंदर, तो इसके अंदर भी सेलेक्टेबल मार्कर होगा, तीसरा रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है सारे के अंदर, तो इसके अंदर भी रिकॉग्निशन सीक्वेंस होगा, और चौथा इसके अंदर और भी क्या होगा, तो इसके अंदर रोप साइट होगा, क्या होगा, रोप साइट होगा, ठीक है, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस सॉरी रेप्लिकेशन के लिए जो प्रोटीन का ज़रूरत है वो प्रोटीन भी यहाँ पे सिंथेसाइज होगा, ठीक है। तो हम इसका स्ट्रक्चर को थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट करते हैं कि PBR 322 है क्या, क्लियर ना, अब हम उस पर आते हैं थोड़ा सा, क्लियर, बड़ा आराम आराम से समझो इस चीज़ को, जल्दी नहीं है, बड़ा आराम आराम से समझो कि क्या होता है ये सारा चीज़, बहुत आराम से आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। अब हम आते हैं थोड़ा सा PBR 322 के स्ट्रक्चर पे, ये स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं हमें थोड़ा ड्रॉ करना पड़ेगा आराम से रिलैक्स मोड में, ठीक है, 322 के स्ट्रक्चर पे PBR 322, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम आराम से चैप्टर करो, ठीक है। PBR 322 के किस पे आएंगे हम, तो PBR 322 के स्ट्रक्चर पे आते हैं, तो थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ड्रॉ हमें करना पड़ेगा, NCERT का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा है। हम क्या करते हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं इसको ड्रॉ करते हैं, और ड्रॉ करते हैं तो हम इस टाइप से ड्रॉ करते हैं, सॉरी, ठीक है, इसको अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ड्रॉ करने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, सॉरी सम टेक्निकल एरर, ठीक है, तो इसको हम कहीं ना कहीं क्या करते हैं ड्रॉ करने के लिए इस टाइप से हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका दूसरा साइट हो गया, तीसरा साइट हो गया, ठीक है, तीन साइट हो गया, एक चौथा साइट हो गया आपका, पांचवा साइट हम ले लेते हैं, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा आपका जगह जगह पे, क्लियर, और ये स्ट्रक्चर होगा, फाइनली ये होगा, ठीक है। हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या होता है, यहाँ पे कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, आपके NCERT में ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर के भी देख सकते हो आराम से, ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर तो ड्रॉ करना पड़ेगा हमें कुछ समझाने के लिए। यहाँ पे आपका होता है Cal 1, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है आपका, यहाँ पे Hind 3 होता है, Hind 3 होता है यहाँ पे, ठीक है, और क्या होता है, तो आप बोलते हो कि इधर आपका कहीं ना कहीं EcoR1 भी होता है, इधर ही कहीं कहीं पर आपका EcoR1 है, ये सब क्या है, ये सब रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज है, ठीक है। इसके अलावा आपका इधर कहीं ना कहीं रोप साइट होता है, क्या होता है आपका, रोप साइट होता है, ठीक है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, क्या है ये साइट, आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ठीक है। रोप साइट पे आपका होता है PBU 2, ठीक है, ये आपका यहाँ पे कहीं ना कहीं साल होता है, और इसके ऊपर का जो स्ट्रक्चर है इस जगह पे आपका BAM H1 होता है, BAM H1 होता है, ठीक है। इधर की अगर हम बात करते हैं तो इधर आपका क्या होगा, साल 1 और BAM H1 कहीं ना कहीं एक ही इसके अंदर होगा, साल 1
साल वन एंड बाम एच वन, ठीक है। दूसरे साइड अगर आप देखो तो यहाँ पे पी वी यू वन है, पी वी यू वन है, और अगर हम देखते हैं दूसरे साइड से यहाँ पे क्या होगा, पी एस टी वन है, पी एस टी वन है। ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है किस चीज़ का, पी वी आर 322 का, ठीक है। क्या है ये स्ट्रक्चर, पी वी आर 322 का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को अगर हम ध्यान से देखें, इस स्ट्रक्चर में ये वाला जो पार्ट्स है, ये वाला जो कंप्लीट पार्ट्स यहाँ से नीचे की तरफ हम लेकर के जा रहे हैं, इसी पार्ट्स का मेन आप देखते हैं क्या है ये पार्ट्स। ये एक पार्ट्स है जिसको हम लेकर के नीचे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। ये आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाला पार्ट्स है। ये पार्ट्स क्या है आपका, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाला पार्ट्स है। सबको हम शैडो नहीं करेंगे, बट जो हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको हम शैडो कर लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो आपका है यहाँ पे कुछ रोप साइट है। ये वाला साइट क्या है आपका, रोप साइट है। ये वाला साइट क्या है आपका, रोप साइट है। क्या है, आर ओ पी, रोप साइट है, ठीक है। इसके अलावा जो हम इधर के साइट पे आते हैं तो यहाँ पे भी एक आपका साइट है। ये साइट्स, ये कम्प्लीटली क्या है, अभी हम इस चीज़ को क्लियर करते हैं। देखो ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को अगर हम ध्यान से देखें तो ये हम कहते हैं कि यहाँ पे आपका एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन होगा। यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा जीन जो है, इस जीन को हम बोलते हैं एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन। क्या बोलते हैं इसको, एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन है, ठीक है। और ये वाला जो पूरा का पूरा साइट है, यहाँ से यहाँ तक का जो ये पूरा साइट्स है, ठीक है, इस साइट के अंदर अगर आप देखो तो इस साइट के अंदर क्या है, तो इस साइट के अंदर आपका क्या है, तो ये हम बोलते हैं यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन है। क्या है यहाँ पे, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो ये एक पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर है किस चीज़ का, पी बी आर 322 का। हम कहते हैं कि हर वैक्टर के अंदर कुछ ना कुछ आपका करेक्टर, हर वैक्टर का चार मेन करेक्टरिस्टिक्स होता है। तो इसमें भी हम देख लेते हैं क्या क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन प्रजेंट है, जो हम बताएं करेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए वैक्टर का, ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन प्रजेंट है। दूसरा हम ये कहते हैं सेलेक्टेबल मार्कर, तो यहाँ पर सेलेक्टेबल मार्कर एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन है, और इधर आपका टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन है, सेलेक्टेबल मार्कर प्रेजेंट है। तीसरा हम कहते हैं कि रिकॉग्निशन सीक्वेंस, तो रिकॉग्निशन सीक्वेंस यहां पे बहुत सारे हैं, लगभग 8 रिकॉग्निशन सीक्वेंस है। कौन कौन सा, PBU2, PST1, PBU1, ठीक है, ये EcoR1, CAL1, HIND3, BAM-H1, SAL1, ये टोटल 8 रिकॉग्निशन सीक्वेंस है। हम बोलते हैं कि यहां पे रोप साइट भी होता है, तो रोप साइट भी प्रेजेंट है यहां पे, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि ये हमारा पी बी आर 322। देखो इस स्ट्रक्चर को आप बार बार ड्रॉ करो, जब ड्रॉ करोगे बार बार आपको सारा चीज़ अपने आप आ जाएगा, ठीक है। आप ट्रिक से याद कर लोगे, मेमोराइज कर लोगे, ट्रिक अगर हम दे भी दें आप उसको याद कर लोगे, मेमोराइज कर लोगे, ठीक है। लेकिन वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा आपके लिए। आप कोशिश करो कि इसको बार बार आप ड्रॉ करो, NCERT में ये दिया हुआ है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है पी बी आर 322, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करो, इस स्ट्रक्चर में हम आपको क्या क्या बताने वाले हैं आगे, उस चीज को आप देखो। देखो अब हम यहां पे कहते हैं कि इसके अंदर 2 सेलेक्टेबल मार्कर है। कितना है, 2 सेलेक्टेबल मार्कर है, सेलेक्टेबल मार्कर है, ठीक है, 2 सेलेक्टेबल मार्कर। और सेलेक्टेबल मार्कर का नाम क्या है, तो आप बोलोगे सेलेक्टेबल मार्कर एक एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन है, ये आर से रेसिस्टेंट है यहां पे, ठीक है। दूसरा सेलेक्टेबल मार्कर क्या है यहां पे, तो आप बोलोगे टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन है। क्या है यहां पे, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट, ये दोनों सेलेक्टेबल मार्कर है। लेकिन इस सेलेक्टेबल मार्कर के अंदर भी आपका रिकॉग्निशन सीक्वेंस है। अगर हम एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन की बात करते हैं, इसके अंदर 2 रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। ये एक PST1 है और एक आपका PVU1 है, ठीक है। अगर हम टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन की बात करें तो यहाँ पे भी 2 रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, एक है आपका BAM-H1 और एक है आपका SAL1, ये भी 2 रिकॉग्निशन सीक्वेंस है। तो टोटल 4 रिकॉग्निशन सीक्वेंस हो गया। एक रिकॉग्निशन सीक्वेंस आपका कहाँ पे है, तो ये सेलेक्टेबल मार्कर, चलो हम ले लेते हैं कि ये 2 सेलेक्टेबल मार्कर है, ठीक है। उसी तरीके से आपका एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी है इसके अंदर, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी है, दिखने को मिल रहा है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी प्रेजेंट है, क्लियर ना, प्रेजेंट है। इसके अलावा और क्या है इसके अंदर, तो इसके अंदर हम कहते हैं डिफरेंट रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस है। तो रिकॉग्निशन सीक्वेंस कौन कौन सा है अगर आपको बोला जाए, 4 तो यहाँ पे हो गया, एक हो गया आपका PST1, एक हो गया PBU1, ठीक है, एक हो गया आपका BAM-H1, ठीक है, और क्या हो गया आपका, एक हो गया आपका SAL1। तो ये 4 तो ये हो गया, और ये चारों कहाँ पे है,
तो आप बोल सकते हो सिलेक्टेबल मार्कर के अंदर। आपको ध्यान रखना है हमेशा कि एम्पिसिलिन के अंदर कौन कौन सा रिकॉग्निशन साइट है और टेट्रासाइक्लिन के अंदर कौन कौन सा रिकॉग्निशन साइट्स है। क्यों? क्योंकि जो हम डीएनए इसके अंदर इंसर्ट करना चाहेंगे, जो हम अपना डीएनए ऑफ इंटरेस्ट इस वैक्टर के अंदर इंसर्ट करना चाहेंगे, ठीक है, तो इंसर्ट करने के लिए हम जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे हम अपना डिजायरेबल डीएनए को कट करने के लिए, सेम वही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ पे भी कट करेगा, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि खास करके एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन के अंदर कौन कौन सा रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, ये हमें ज़रूर पता होना चाहिए। और ये रॉप वाला पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा रिकॉग्निशन सीक्वेंस है आपका, ठीक है। तो टोटल आपके पास एक चार हो गया ये। इसके अलावा आपके पास क्या है? तो इसके अलावा आपका इको आर वन है, इसके अलावा क्या है आपका, तो कैल वन है, इसके अलावा क्या है, तो आपका हिंड थ्री है, ठीक है। इसके अलावा आपका क्या है, तो आप बोलते हो पी बी यू सेकेंड। ये टोटल कितना है? तो आप बोलोगे टोटल आठ रिकॉग्निशन सीक्वेंस, एट रिकॉग्निशन सीक्वेंस है। कितना सीक्वेंस है? तो आप बोलते हो एट रिकॉग्निशन सीक्वेंस है। किसके अंदर? पी बी आर 322 के अंदर टोटल एट रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, जिसमें चार रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहाँ पे है? तो आप बोलोगे चार रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहाँ पे है? सेलेक्टेबल मार्कर के अंदर है। आप सेलेक्टेबल मार्कर के अंदर भी टेट्रासाइक्लिन के अंदर, तो टेट्रासाइक्लिन के अंदर दो होता है, एक बाम एच वन होता है, एक साल वन होता है, ठीक है। और दूसरा जो एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट है उसके अंदर पी बी यू वन होता है एंड पी एस टी वन होता है, ये जरूर आप याद रखोगे, ठीक है। तो और इसके अलावा इसके अंदर और क्या है? तो हम बोलते हैं इसके अंदर रोप साइट है, इसके अंदर रोप साइट है। तो ये वैक्टर का क्या हो गया? कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। अब हम एक चीज़ पे आते हैं, सबसे पहले ये सेलेक्टेबल मार्कर के बारे में थोड़ा सा हमको डिटेल में पढ़ना है। सेलेक्टेबल मार्कर के बारे में हमको थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे पढ़ना है। क्यों? क्योंकि सेलेक्टेबल मार्कर ही क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा कि रिकॉम्बिनेंट है या नॉन रिकॉम्बिनेंट है। इसको सेलेक्ट करने के लिए हमें सेलेक्टेबल मार्कर का हम इस्तेमाल करेंगे। तो हम कहते हैं कैसे हम इसका इस्तेमाल करते हैं सेलेक्टेबल मार्कर का, इस चीज़ को हम थोड़ा सा आगे अभी देखेंगे, क्लियर है ना। इसको अभी हम लोग आगे थोड़ा सा देखेंगे, क्लियर। ये स्ट्रक्चर ये एज इट इज़ रहने दो, इसको हम मिटा सकते हैं, ठीक है। इसको हम इरेज करते हैं, ओके। तो हमारा PBR 322 है, क्या है? PBR 322 है, ठीक है। यहाँ पे PBU1 है तो यहाँ पे PST1 होगा, PST1 था और यहाँ पे PBU सेकेंड था, चलो जो भी था, क्लियर ना। तो ये चीज़ आपका PST1 था, PBU1 था, वन मिनट कुछ उल्टा तो नहीं हो गया, PST1 था ना, PST1 सॉरी, ठीक है, PST1 था। चलो अब हम क्या कहते हैं आपको कि हम ये वेक्टर मान लो किसी किसके अंदर है, ये वेक्टर जिस इकोलाई के अंदर है या जिस बैक्टीरिया के अंदर ये वेक्टर पाया जाएगा, वो वेक्टर दो चीज़ से रेसिस्ट करेगा। किससे रेसिस्ट करेगा? एम्पिसिलिन से रेसिस्ट करेगा, और किससे रेसिस्ट करेगा? टेट्रासाइक्लिन से रेसिस्ट करेगा। इस चीज़ को आप माइंड में ले लो, ठीक है। और कहने का मतलब ये जिसके अंदर होगा, हम यहाँ से एग्जाम्पल से समझते हैं। चलो हमारे पास एक इकोलाई है, ठीक है, एक हमारे पास दूसरा भी इकोलाई, हम तीन को एग्जाम्पल लेते हैं, चलो तीन हम इकोलाई ले लेते हैं, ठीक है। एक इकोलाई के अंदर जो आपका वेक्टर है, ये वेक्टर है, ठीक है, थोड़ा सा हम इनलार्ज करके दिखाने की कोशिश करेंगे, रुको एक मिनट, इसके लिए हमें कहीं ना कहीं इरेज करना पड़ेगा उस चीज़ को। चलो हम थोड़ा सा इसी पे ले लेते हैं। चलो देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास एक इकोलाई ये वाला है, ठीक है, दूसरा भी हम इकोलाई ले लेते हैं, ये दूसरा इकोलाई है, ठीक है, और एक तीसरा भी हमें लेना था, तीसरा इकोलाई, चलो हम यहाँ पे छोटा सा ले लेते हैं, तीसरा इकोलाई है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक के अंदर हम ये वाला वेक्टर डाल देते हैं, कौन सा वेक्टर डाल देते हैं, जो वेक्टर यहाँ पे है ये वाला वेक्टर डाल देते हैं, चलो एक के अंदर हम ये वाला वेक्टर डाल दिए, ठीक है। तो इस वेक्टर के अंदर क्या है, तो हम बोलते हैं इस वेक्टर के अंदर आपका एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन है, एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन है, और इसी वेक्टर के अंदर आपका टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन भी है, क्लियर, बात समझ में आ रही है। अब दूसरा एक हम दूसरा वेक्टर लेते हैं, ठीक है, अब इस वेक्टर के अंदर हम क्या डालते हैं, इस वेक्टर के अंदर हम अपना कोई भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं डाले, हम अपना कोई डीएनए ऑफ इंटरेस्ट जो है हम इसके अंदर इंसर्ट नहीं कर रहे, बट इसके अंदर हम कह रहे हैं कि जो हमारा एम्पिसिलिन साइट है, कौन सा साइट है,
एम्पिसिलिन साइट है, वहाँ पे क्या है आपका PBU1 है और क्या है PST1 है। तो हम मान लेते हैं कि PBU1 या PST1 वाला कोई क्या बोलते हैं सॉरी क्या उसको बोल सकते हो, जो हमारा डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है, हम कोई डीएनए ऑफ इंटरेस्ट लेकर के आते हैं और उस डीएनए ऑफ इंटरेस्ट को हम एम्पिसिलिन के पास इंसर्ट कर देते हैं। कहाँ पे हम इंसर्ट कर देते हैं उसको, हम एम्पिसिलिन के पास इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, जब हम एम्पिसिलिन के पास इंसर्ट कर देते हैं और इधर आपका दूसरा वाला जो है वो आपका टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन है, दूसरा इधर आपका टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन एज इट इज़ है। यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे डिजायरेबल डीएनए, यहाँ पे हमारा क्या हो गया डिजायरेबल डीएनए हो गया, डिजायरेबल डीएनए है। ठीक है, देखो अब बड़े ध्यान से देखो हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं। देखो हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास ये साइट है, ये वाला साइट है हमारे पास। ठीक है, हम कह रहे हैं कि जो हमारा डिजायरेबल डीएनए है, ये मान लो हमारा कोई डीएनए है और यहाँ से हमारा ये वाला डिजायरेबल डीएनए, इस डिजायरेबल डीएनए को अगर हम कहते हैं कि इस डिजायरेबल डीएनए को हम PST1 कौन PST1 इंडोन्यूक्लिएज एंजाइम जो सॉरी PST1 जो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज एंजाइम है उससे हम इसको कट करते हैं, उससे हम इसको कट करते हैं। मान लो मेरे पास ये सीक्वेंस आ गया, क्या आ गया ये सीक्वेंस आ गया। ठीक है, अब इस सीक्वेंस को कहने का ये हमारा क्या है, ये हमारा डिजायरेबल डीएनए, ये हमारा क्या है, तो हम बोलेंगे ये हमारा डिजायरेबल डीएनए है। अब इस डिजायरेबल डीएनए को हम इसके अंदर वेक्टर के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अगर PST1 से कट हुआ है तो वेक्टर भी कहाँ पे कट होगा, तो वेक्टर भी कट होगा PST1 पे कट होगा। कहाँ पे कट होगा वेक्टर भी, तो आप बोलोगे वेक्टर भी कट होगा PST1 पे ही, वेक्टर को भी कट किया जाएगा। बस समझ में आ रही है, तो अगर हम कहते हैं कि PST1 से ही इस वेक्टर को कट किया जाता है, ये इतना लंबा ये जो जीन है यहाँ से यहाँ तक का जो जीन है, बड़ा ध्यान से देखो ये जो जीन है जीन एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन, यहाँ से यहाँ तक एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन है और इसके और इस एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन का जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट क्या करेगा, वो प्रोडक्ट जिसके अंदर एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट वाला वेक्टर है उस ऑर्गेनिज्म को या उस इकोलाई को सिंपली बोल लो किस चीज़ से बचाएगा, एम्पिसिलिन से बचाएगा। देखो ध्यान से देखो कि ये एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन है, एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन का कोई प्रोडक्ट होगा जिसको हम बोलेंगे एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट प्रोटीन मान लो। ठीक है, वो प्रोटीन किसको बचाएगा, तो ये वेक्टर जिसके अंदर होगा जिस इकोलाई के अंदर होगा उस इकोलाई को किस चीज़ से बचाएगा, वो एम्पिसिलिन से बचाएगा। बात समझ में आ रही है। ठीक है, अगर हम इस जीन के अंदर इंसर्ट कर दें, किसको इंसर्ट कर दें, तो अगर मान लो हम जीन के अंदर कुछ इंसर्ट कर दें, हम अपना डीएनए ऑफ इंटरेस्ट को इस जीन के अंदर हम इंसर्ट कर दें, तो जैसे हम डीएनए ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट करेंगे जीन के अंदर, तो जीन के अंदर इंसर्ट करने के बाद क्या होगा, सॉरी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है सॉरी। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, देखो अब बड़े ध्यान से देखो, ये आपका एक जीन है। ठीक है, ये जीन क्या है, एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन है। ठीक है, अब एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन होने के कारण ये वेक्टर जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा, हम यहाँ पे इकोलाई चलो ले लेते हैं, जिस इकोलाई के अंदर होगा ये वाला वेक्टर जिसके पास एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन है, तो ये इकोलाई एम्पिसिलिन से अपने आप को रेसिस्ट करेगा, एम्पिसिलिन से क्या करेगा अपने आप को रेसिस्ट करेगा। बात समझ में आ रही है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं कि हमारा जो डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है या हमारा जो डिजायरेबल डीएनए है, इस डिजायरेबल डीएनए को किसी न किसी रिकॉग्निशन सीक्वेंस पे जाकर के अटैच होना है, वहाँ जाकर के उसको अटैच करना है हमें। ठीक है, तो हम कहते हैं कि मान लो हम उस डीएनए को PST1 से हमने कट करा, तो इसके अंदर PST1 कहाँ पे, यहाँ पे PST1 पे कट होगा। अब कहते हैं कि ये एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस जीन कंप्लीट जीन है, उसमें हम यहाँ से इसको कट कर दें, मान लो यहाँ से हम इसको कट कर दें और कट करने के बाद क्या करें, इस डीएनए को हम इंसर्ट कर दें, इस डीएनए को हम इंसर्ट कर दें, मान लो यहाँ पे बड़े ध्यान से देखो, इस डीएनए को हम यहाँ पे इंसर्ट कर दें, कौन सा डीएनए को, डिजायरेबल डीएनए को, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक कौन सा हो गया, ये हमारा डिजायरेबल डीएनए हो गया, डिजायरेबल डीएनए हो गया। ठीक है, ये हमारा डिजायरेबल डीएनए हो गया। अब जब हम इतना सा जीन को, ये पूरा कंप्लीट जीन था, उस कंप्लीट जीन्स में से अगर हम इतना सा जीन को काट करके हटा दें, तो जीन का सीक्वेंस तो अल्टर्ड हो गया, और जीन का सीक्वेंस जैसे ही अल्टर्ड होगा, तो अब ये जीन जो था वो एम्पिसिलिन को कोड, एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन क्या होगा, एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट प्रोटीन जो बन रहा था उसको नहीं बनाएगा। अब अगर नहीं बनाएगा तो ये वाला जो इकोलाई होगा ये एम्पिसिलिन में सर्वाइव नहीं करेगा।
बात समझ में आ रही है। देखो बड़ा आराम से इसको फिर से एक बार हम समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास ये वाला एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन है मान लो, ठीक है, ये एक वेक्टर है जिसके पास एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन है। ये जीन प्रेजेंट होने के कारण ये वेक्टर जिस इकोलाई के अंदर है वो इकोलाई एम्पिसिलिन से रेसिस्ट करेगा और ये एक टाइप का आपका नॉन रिकॉम्बिनेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नॉन रिकॉम्बिनेंट कहलाएगा। क्लियर ना? ये ओरिजिनल है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हमारा जो डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है उस डीएनए ऑफ इंटरेस्ट को हम वेक्टर के अंदर डालेंगे ताकि वेक्टर उसको कहाँ ले जाएगा, होस्ट के अंदर ले जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही हम अपना डिजायरेबल डीएनए इंसर्ट करते हैं, मान लो ये PST1 से कटा हुआ है, तो जिससे हम अपना डिजायरेबल डीएनए को कट करेंगे सेम उसी पोजीशन पे वेक्टर के अंदर भी कट होगा सेम रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से। तो यहाँ पे इसको कट किया सेम रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से, यहाँ पे भी कट हुआ। और जब ये कट हुआ इतना सा पार्ट्स हम कहने के एम्पिसिलिन जीन का जो इतना सा पार्ट्स है वो निकाल लिए हम, जब ये पार्ट्स हमारा निकल गया तो जो एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन था वो क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया। इसी प्रोसेस को हम इंसर्शनल इनएक्टिवेशन भी बोलते हैं कि हम अपना डीएनए को इंसर्ट किए और इंसर्ट करने से क्या हो गया, ये वाला जीन इनएक्टिव हो गया। क्या हो गया? इनएक्टिव हो गया, तो हम कहते हैं इसको इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अब हम कहते हैं कि ये जीन जब मान लो आपका इनएक्टिवेट हो गया तो अब ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा रिकॉम्बिनेंट बन गया। ये हमारा रिकॉम्बिनेंट बन गया। क्यों रिकॉम्बिनेंट बन गया? क्योंकि हम यहाँ पे अपना डिजायरेबल डीएनए को इंसर्ट कर दिए हैं। किस साइट पे? एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट वाले साइट पे। तो एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन जो था वो क्या हो गया, आपका इनएक्टिव हो गया। एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन्स क्या हो गया? इनएक्टिव हो गया। बात समझ में आ रही है? ये रिकॉम्बिनेंट हो गया। और ये जो है यहाँ पे हम देखते हैं, मान लो ये हमारा कुछ नहीं है, ये हमारा इसके पास ये तो है, वैक्टर तो है, लेकिन उस वैक्टर के पास कोई जीन नहीं है। ये तीन कंडीशन हमने ले लिया। अब हम आते हैं आगे की तरफ कि सेलेक्ट कैसे करेगा ये। चलो तो ये हमारा नॉन रिकॉम्बिनेंट हो गया, ये हमारा रिकॉम्बिनेंट हो गया, और ये हमारा नॉर्मल वाला है। इसको आप सिंपली बोल लो नॉर्मल बैक्टीरिया है। क्या है ये? आपका नॉर्मल बैक्टीरिया है, ठीक है, नॉर्मल इकोलाई है। सबको हम इकोलाई लेते हैं। चलो ये इकोलाई है, ये भी हम कहते हैं कि इकोलाई ही है। ये हमारा नॉर्मल इकोलाई है, ये हमारा नॉर्मल इकोलाई है, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं इन सब को तो क्या देखेंगे हम, अब इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। चलो अगर हम इन सब को देखते हैं तो सब में हम क्या देखेंगे, अगर हम इसको हम एक कल्चर मीडियम में ग्रो करवाएं, चलो सबके लिए हम कल्चर मीडियम ले लेते हैं, ये कल्चर मीडियम ले लेते हैं, दूसरे के लिए भी कल्चर मीडियम ले लेते हैं, तीसरे के लिए हम छोटा सा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है। इसको हम चलो थोड़ा और छोटा कर देते हैं, सही रहेगा आपके लिए, ठीक है, इसको थोड़ा सा ये कर लेते हैं, क्लियर ना? तो ये तीन हम क्या लेंगे, कल्चर मीडियम लेंगे। मान लो ये कल्चर मीडियम हमने ले लिया, कल्चर मीडियम ले लिया, इसके अंदर भी हम कल्चर मीडियम ले लिए, इसके अंदर भी हम कल्चर मीडियम ले लिए, इसके अंदर भी हम कल्चर मीडियम ले लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर मान लो हम एक के अंदर एम्पिसिलिन डालें, ठीक है, और प्लस हम इसके अंदर टेट्रासाइक्लिन भी डालें, ठीक है, या हम सिंपली बोल लेते हैं पहले हम इसके अंदर एम्पिसिलिन ही ले लेते हैं, ज़्यादा बेटर है, एम्पिसिलिन ले लेते हैं, एम्पिसिलिन, ठीक है, और हम कहीं ना कहीं आपका टेट्रासाइक्लिन भी ले लेते हैं, चलो इसके अंदर हम टेट्रासाइक्लिन भी ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर अगर हम एम्पिसिलिन ले लें, ऐसे मेरा सही रहेगा क्या, एम्पिसिलिन अगर हम लेते हैं, चलो मान लो इस पे हम एम्पिसिलिन लेते हैं, चलो हम ऐसे कर लेते हैं, ये हमारा एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, ये कल्चर मीडियम है, ठीक है। अब कल्चर मीडियम हम क्या करते हैं, एक बार हम एम्पिसिलिन ले लेते हैं, चलो एम्पिसिलिन ऐसे ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए, एक एम्पिसिलिन ले लेते हैं और नीचे की तरफ एक दूसरा कल्चर मीडियम डालते हैं जिसके अंदर हम टेट्रासाइक्लिन ले लेते हैं, जिसके अंदर हम टेट्रासाइक्लिन ले लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, और हम यहाँ पे दूसरा पॉट ले लेते हैं, चलो कल्चर मीडियम ले लेते हैं सबके लिए हम कल्चर मीडियम ले लेते हैं, चलो कल्चर मीडियम सबके लिए हमने ले लिया, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि यहाँ पे ये तीनों में हम क्या ऐड कर रहे हैं, तो तीनों में हम एम्पिसिलिन ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड कर रहे हैं तीनों में? एम्पिसिलिन ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम तीनों में एम्पिसिलिन हम ऐड करेंगे तो इसके अंदर बैक्टीरिया क्या करेगा,
बैक्टीरिया सर्वाइव करेगा। चलो बैक्टीरिया को हम इस कलर से दिखा देते हैं, ये बैक्टीरिया सर्वाइव करेगा करेगा इस कल्चर मीडियम के अंदर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन है। अगर इसके अंदर हम एम्पिसिलिन डाल भी दें तब भी ये क्या करेगा, बैक्टीरिया आराम से सर्वाइव करेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आपका डिजायरेबल डीएनए जो हमने इंसर्ट करा उससे क्या हो गया, ये एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट वाला जो जीन है वो डिस्ट्रॉय हो गया। और जब ये डिस्ट्रॉय हो जाता है देन हम इसको अगर एम्पिसिलिन में डालेंगे बैक्टीरिया को तो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं करेगा। इसका मतलब इसके अंदर बैक्टीरिया नहीं पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कौन सा सॉल्यूशन हमने डाला है, एम्पिसिलिन डाले हुए हैं, और एम्पिसिलिन वाला जीन यहाँ पे क्या हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, इनएक्टिव हो चुका है। क्यों इनएक्टिव हो चुका है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के कारण वो क्या हो चुका है, क्या हो चुका है, वो कहीं ना कहीं जीन डिस्ट्रॉय हो चुका है। और जीन जब डिस्ट्रॉय हो गया तो एम्पिसिलिन वाला अगर हम इसके अंदर डालेंगे बैक्टीरिया तो एम्पिसिलिन वाला बैक्टीरिया उसके अंदर सर्वाइव नहीं करेगा। तीसरा वाला, तीसरे वाले के पास कोई रेसिस्टेंट जीन नहीं है तो वो तो ऐसे भी बेचारा सर्वाइव नहीं करेगा। ठीक है, अब हम दूसरा डालते हैं, टेट्रासाइक्लिन डालते हैं। चलो टेट्रासाइक्लिन इसके अंदर डालेंगे तो इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन है, ये सर्वाइव कर जाएगा, कर जाएगा। ठीक है, अब ये वाले के अंदर देखो, इस वाले के अंदर भी टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन है, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन इस वाले के पास भी है तो ये भी क्या कर जाएगा, सर्वाइव कर जाएगा। और ये सर्वाइव नहीं करेगा क्योंकि उसके पास टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन नहीं है। तो इस तरीके से अगर इन दोनों को हम देखें तो इन दोनों में हम पता लगा सकते हैं कि अरे यार ये तो दोनों में सर्वाइव कर रहा है, एम्पिसिलिन में भी सर्वाइव कर रहा है, टेट्रासाइक्लिन में भी सर्वाइव कर रहा है। इसका मतलब ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है, ओरिजिनल वाला इसके अंदर वैक्टर है, क्योंकि ओरिजिनल वाला वैक्टर जिसके अंदर होगा वो एम्पिसिलिन से भी रेसिस्ट करेगा और वो किससे रेसिस्ट करेगा, टेट्रासाइक्लिन से भी रेसिस्ट करेगा। इसका मतलब ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है, तो इसके अंदर जो वैक्टर है वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है और ये जो आपका इकोलाई वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। ठीक है, नॉन ट्रांसफॉर्मिंग सेल बोल सकते हैं इसको। ठीक है, दूसरे वाले को अगर हम देखते हैं तो दूसरे वाले क्या देख रहे हैं कि इसके पास एम्पिसिलिन वाला नहीं है इसलिए यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर रहा। इसका मतलब इसके पास एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन जा चुका है, खत्म हो चुका है, इनएक्टिव हो चुका है। ठीक है, तो इसलिए इसके अंदर नहीं पाया जा रहा है, क्या मतलब इसके अंदर बैक्टीरिया सर्वाइव इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके अंदर एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन डिस्ट्रॉय हो चुका है। इसका मतलब ये रिकॉम्बिनेंट है, इसका मतलब क्या, ये रिकॉम्बिनेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन में ये सर्वाइव कर रहा है, इसका मतलब जो हम डीएनए जो इंसर्ट किए हैं वो इंसर्ट कहाँ पे हुआ है, वो इंसर्ट हुआ है आपका एम्पिसिलिन वाले साइट पे। अगर एम्पिसिलिन वाले साइट पे हुआ सिर्फ एम्पिसिलिन डिस्ट्रॉय हुआ है, अगर टेट्रासाइक्लिन वाले साइट पे होता तो टेट्रासाइक्लिन डिस्ट्रॉय होता है। बात समझ में आ रही है ना, तो हम कहते हैं कि ये वाला पार्ट हमारा क्या है, रिकॉम्बिनेंट है, और ये हमारा क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट है, और ये बेचारा तो नॉर्मल था तो नॉर्मल है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो कहने का मतलब इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि रिकॉम्बिनेंट है या नॉन रिकॉम्बिनेंट है। इसके लिए हमें किसका इस्तेमाल करना होता है, सेलेक्टेबल मार्कर का इस्तेमाल करना होता है। और यहाँ पे सेलेक्टेबल मार्कर क्या है, तो एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन एंड टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन किसके तरह काम कर रहा है, सेलेक्टेबल मार्कर के जैसे काम कर रहा है। ठीक है, कैसे सेलेक्ट किया ये, तो हम कहते हैं कि वो वेक्टर अगर नॉर्मल वेक्टर जिस बैक्टीरिया के अंदर होगा वो बैक्टीरिया एम्पिसिलिन में भी सर्वाइव करेगा, वो बैक्टीरिया टेट्रासाइक्लिन में भी सर्वाइव करेगा। ठीक है, अगर ये वेक्टर के अंदर जीन हमने एम्पिसिलिन में रेसिस्ट एम्पिसिलिन के अंदर इंसर्ट करा है, इंसर्ट करने से क्या हो गया, एम्पिसिलिन का जीन जो होता है वो इनएक्टिव हो गया, और जब एम्पिसिलिन का जीन इनएक्टिव हो गया तो वो एम्पिसिलिन में सर्वाइव नहीं कर रहा, लेकिन उसके पास अभी भी टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन है तो वो टेट्रासाइक्लिन में सर्वाइव कर रहा। इसका मतलब हम कह सकते हैं ये रिकॉम्बिनेंट तो है, लेकिन रिकॉम्बिनेंट के साथ साथ ये भी बताता है कि ये इसका कौन सा मार्कर वाला जीन, कौन सा मार्कर जीन डिस्ट्रॉय हुआ है, तो हम बोलते हैं एम्पिसिलिन मार्कर रेसिस्टेंट, एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन जो था, जो मार्कर सेलेक्टेबल मार्कर की तरह काम करता था वो डिस्ट्रॉय हुआ है यहाँ पे। ये मे भी हो सकता है कि मान लो हमारा डीएनए ऑफ इंटरेस्ट जो हम लेकर के आ रहे हैं वो डीएनए ऑफ इंटरेस्ट आपका बाम H1 से कट हुआ है, तो अगर बाम H1 से हमारा डीएनए ऑफ इंटरेस्ट कट होता है तो यहाँ पे भी बाम H1 वाले साइट पे कटिंग होगा। कहाँ पे होगा, बाम H1 वाले साइट पे कटिंग होगा, तो वहाँ पे कौन इनएक्टिव होगा, वहाँ पे इनएक्टिव होगा आपका टेट्रासाइक्लिन। तो टेट्रासाइक्लिन का अगर सीक्वेंस डिस्ट्रॉय होता है तो टेट्रासाइक्लिन क्या होगा आपका, इनएक्टिव होगा। आई होप सो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो समझ में आया या नहीं आया,
आप इसको कमेंट्स में हमें बताइएगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया होगा तो हम कहीं ना कहीं इसको सेपरेट से फिर 5 मिनट 10 मिनट का लेक्चर लेकर के हम आपको बता देंगे, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो आप कहीं ना कहीं कमेंट्स कर सकते हैं कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आया, बट आई होप सो समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो ये आपका एक हो गया कौन सा वैक्टर, प्लाज्मिड वैक्टर। ये आपका एक कौन सा हो गया, प्लाज्मिड वैक्टर हो गया, ठीक है। PBR-322 कौन सा है ये, PBR-322, क्लियर ना। तो PBR-322 के अंदर क्या हो गया, तो इसके अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, इसके अंदर आपका 2 सेलेक्टेबल मार्कर साइट होता है, 8 आपका रिकॉग्निशन साइट होता है, ठीक है, और 1 रोप साइट होता है, ठीक है। और बाकी हम इसको इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं कि रिकॉम्बिनेंट है या नॉन रिकॉम्बिनेंट है, क्लियर। चलो क्लियर ना, चलो नेक्स्ट हम लोग जो स्टार्ट करेंगे अभी नेक्स्ट, ये तो हमारा प्लाज्मिड वेक्टर हो गया। देखो प्लाज्मिड में एक और वेक्टर होता है, प्लाज्मिड में एक और वेक्टर है, उस वेक्टर का नाम क्या है, तो हम बोलते हैं वो है आपका PUC। ये क्या है, PUC वेक्टर। PUC का बहुत डिफरेंट टाइप्स होता है, बट हम जनरल जानते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये आपके सिलेबस में भी कहीं ना कहीं नहीं है, ठीक है, फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इससे हमें एक सेलेक्टेबल मार्कर को बताना है, इसका एक सेलेक्टेबल मार्कर को हमें बताना जरूरी है, ठीक है, इसलिए हम इसको कहीं ना कहीं डिस्कस करेंगे। देखो PUC क्या है, P4 यहाँ पे आपका वही है प्लाज्मिड, तो ये भी एक प्लाज्मिड वैक्टर है। यू है यूनिवर्सिटी और C4 कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में इसको डेवलप किया गया है, किसको डेवलप किया गया है, तो ये वाला प्लाज्मिड जो है PUC जो है इसको डेवलप किया गया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में इसको डेवलप किया गया है। अब यहाँ पे बस हम एक पर्पस के लिए इसको पढ़ रहे हैं, और वो पर्पस क्या है कि इसके अंदर एक सेलेक्टेबल मार्कर होता है, इसके सेलेक्टेबल मार्कर के कारण ही हम इसको पढ़ रहे हैं, क्योंकि सेलेक्टेबल मार्कर जो इसका है वो आपके NCERT में दिया हुआ है, भले ये नहीं दिया है, NCERT बड़े चालाकी से लिखता है हर चीज़ को, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसके सेलेक्टेबल मार्कर आपको दिया हुआ है, लेकिन ये वेक्टर नहीं दिया हुआ है आपके सिलेबस में, ठीक है। सेलेक्टेबल मार्कर इसके अंदर क्या होता है, तो हम इसके अंदर सेलेक्टेबल मार्कर होता है एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन। और ये एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन क्या है यहाँ पे, तो हम बोलते हैं यहाँ पे होता है एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन LAC-Z। और LAC-Z कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस करता है, तो आप बोलते हो बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस करता है ये। तो इसके अंदर एक सेलेक्टेबल मार्कर है और जिसके अंदर ये जीन पाया जाता है, ठीक है। सेलेक्टेबल मार्कर कौन सा है यहाँ पे, तो आप ध्यान दो कौन सा सेलेक्टेबल मार्कर है यहाँ पे, तो हम क्या कहते हैं यहाँ पे सेलेक्टेबल मार्कर आपका LAC-Z जीन है, और जो क्या है एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन है। कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अब बीटा गैलेक्टोसाइडेज करता क्या है, तो हम कहते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज बैक्टीरिया के अंदर लैक्टोज को किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में कन्वर्ट करता है, इसको ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में कन्वर्ट करता है, क्लियर ना। अब हम इसका यूज़ क्या है, इसको सेलेक्टेबल मार्कर की तरह इसमें कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं सेलेक्टेबल मार्कर के लिए जो इसमें इस्तेमाल करते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं कहीं ना कहीं एक वर्ड यूज़ करते हैं ब्लू वाइट सेलेक्शन एक प्रोसेस है, उसको हम यूज़ करते हैं। देखो क्या होता है, ध्यान दो थोड़ा सा, हम क्या कहते हैं एक कल्चर मीडियम लेते हैं, ठीक है, कल्चर मीडियम लेते हैं। कल्चर मीडियम में मान लो हम इकोलाई को ग्रो करवा रहे हैं, ठीक है, और इसके साथ साथ हम एक केमिकल लेते हैं जिसको बोलते हैं हम X-GAL। क्या बोलते हैं, X-GAL, ठीक है, ये एक केमिकल है, ये हम सिंपली बोल सकते हैं X-GAL क्या है। तो X-GAL की अगर बात करो आप, तो X-GAL होता है एक वाइट क्रोमोजेनिक सब्सटेंस है, ठीक है, जिसको ये इकोलाई है, ऑब्वियसली इसके अंदर हम क्या डाल दिए, इसके अंदर हम डालते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज, इसके अंदर हम डाल देते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है, तो हम बोलते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज X-GAL को, जो X-GAL कंपाउंड है,
इसको बीटा गैलेक्टोसाइडेस कुछ ब्लू कलर के कंपाउंड में कन्वर्ट करता है, ब्लू कलर कंपाउंड में कन्वर्ट करता है, किसमें कन्वर्ट करता है, कुछ ब्लू कलर के कंपाउंड में या ब्लू कलर के सब्सटेंस में इसको कन्वर्ट करता है। मतलब ब्लू कलर का कोई प्रोडक्ट देगा, क्या देगा, ब्लू कलर का प्रोडक्ट देगा एक्स। जब बीटा गैलेक्टोसाइडेस किस पे काम करेगा, एक्स गेल पे काम करेगा, तो कौन सा कलर आएगा हमारा, ब्लू कलर आएगा। इट मीन्स यहाँ पे जो इकोलाई का कॉलोनी हमें दिखेगा वो किस कलर का दिखेगा, ब्लू कलर का दिखेगा। तो जैसे इसके अंदर बीटा गैलेक्टोसाइडेस काम करता है तो कहीं ना कहीं कॉलोनी हमको क्या दिखेगा, ब्लू 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 टाइप का दिखेगा। कॉलोनी हमारा इकोलाई का ब्लू टाइप का दिखेगा, क्यों दिखेगा, क्योंकि इसके अंदर बीटा गैलेक्टोसाइडेस जब एक्स गैल पे काम करता है तो उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, ब्लू कलर प्रोडक्ट में। ब्लू कलर प्रोडक्ट लिखो ज़्यादा बेटर है आपका, ब्लू कलर प्रोडक्ट में इसको कन्वर्ट कर देता है। तो हमें कॉलोनी किस टाइप का दिखेगा, तो आप कह सकते हो ब्लू कॉलोनी दिखेगा, ब्लू कॉलोनीज दिखेगा हमको, ठीक है। अब क्या होता है, अब जब हम क्या कहते हैं कि ये बीटा गैलेक्टोसाइडेस किससे बनता है आपका, लैक जेड जीन से। मान लो हमारे पास ये वेक्टर है और इस वेक्टर के अंदर यहाँ पे कहीं पे लैक जेड जीन है, लैक जेड जीन है, ठीक है। अब जो हम अपना डीएनए ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट करेंगे, मान लो हम रिकॉम्बिनेंट हैं, अपना डीएनए ऑफ इंटरेस्ट मान लो कुछ ये हमारा डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है, इसको अगर हम इंसर्ट करेंगे और ये इंसर्ट अगर मान लो इस साइट पे हो जाता है, लैक जेड वाले साइट पे हो जाता है, ठीक है, तो लैक जेड क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। और जब लैक जेड इनएक्टिव हो जाएगा तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बन पाएगा। जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बन पाएगा तो एक्स गेल ब्रेक नहीं होगा, जब एक्स गेल ब्रेक नहीं होगा तो ब्लू कॉलोनी नहीं मिलेगा, ब्लू कॉलोनी नहीं मिलेगा। लेकिन एक्स गेल का कलर क्या है, वो ऑब्वियसली वाइट कलर का होता है, तो हमें किस टाइप का कॉलोनी दिखेगा, वाइट कॉलोनी दिखेगा। देखो इसको इस तरह समझो, अब हम कहते हैं यहाँ पे एक्स गेल है, ठीक है, और एक्स गेल पे कोई बीटा गैलेक्टोसाइडेस काम नहीं कर रहा है, तो ये कौन सा कॉलोनीज देगा, ये वाइट कॉलोनीज बनाएगा। कौन सा कॉलोनीज बनाएगा, ये व्हाइट कॉलोनीज बनाएगा, क्यों, क्योंकि उसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, व्हाइट प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। कौन सा प्रोडक्ट हो जाएगा, व्हाइट प्रोडक्ट हो जाएगा। इस चीज़ को हम एक बार फिर से समझा रहे हैं आपको, देखो यहाँ ध्यान दो, हम कहते हैं कि यहाँ पे सेलेक्टेबल मार्कर क्या है आपका, लैग जेड है। सेलेक्टेबल मार्कर क्या है, लैग जेड है, जो क्या प्रोड्यूस करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेस प्रोड्यूस करता है, और बीटा गैलेक्टोसाइडेस का काम क्या है, लैक्टोज को ग्लूकोजन गैलेक्टोज में ब्रेक करता है, ठीक है। हम कहते हैं कि बीटा गैलेक्टोसाइडेस एक कंपाउंड है आपका एक्स गेल, जो वाइट कलर का होता है, किस कलर का होता है, वाइट कलर का होता है। जब हम एक्स गेल को कल्चर मीडियम में डालेंगे और साथ में जब हम बीटा गैलेक्टोसाइडेस डालते हैं, क्यों बीटा गैलेक्टोसाइडेस डालेंगे, क्योंकि बीटा गैलेक्टोसाइडेस क्या करेगा, इस इकोलाई के लिए को ग्लूकोज प्रोवाइड करेगा, किसको ब्रेक करके, लैक्टोज को ब्रेक करके। तो हम बीटा गैलेक्टोसाइडेस जब डाल रहे हैं तो उससे ये एक्स गेल भी अफेक्टेड होता है, और एक्स गेल बीटा गैलेक्टोसाइडेस के प्रेजेंस में ब्लू कॉलोनीज बना देता है, क्या बना देता है, ब्लू कलर का कोई प्रोडक्ट बनाता है। और जब ब्लू कलर का प्रोडक्ट ज्यादा होगा तो क्या बनेगा, हमारा यहां पे ब्लू कॉलोनीज बनेगा, क्लियर है। अब हम यहां पे क्या देख रहे हैं कि जैसे ही हम अपना डीएनए ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाता है, क्या हो जाता है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाता है, और ये जो लैक जेड जीन है वो इनएक्टिव हो जाता है, लैक जेड जीन इनएक्टिव हो जाता है। जैसे हम पिछले बार में हम क्या देख रहे थे कि जो एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस जीन है वहाँ पे जब हम अपना डीएनए ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट कर रहे थे तो एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस जीन क्या हो जा रहा था, इनएक्टिव हो जा रहा था। उसी तरीके से यहाँ पे भी इस डीएनए को जब हम इंसर्ट करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। और जब ये भी इनएक्टिव यहाँ पे हो जाएगा तो लैक जेड जीन क्या नहीं बना पाएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेस नहीं बना पाएगा। और जब वो बीटा गैलेक्टोसाइडेस नहीं बना पाएगा तो वो एक्स गेल पे काम नहीं करेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेस, और जब एक्स गेल पे बीटा गैलेक्टोसाइडेस काम नहीं करेगा तो हमें यहाँ पे कौन सा कॉलोनी मिलेगा, यहाँ पे हमें व्हाइट कॉलोनी मिलेगा, क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट क्या होगा, व्हाइट होगा, क्योंकि आपका एक्स गेल क्या है, व्हाइट कलर का है, एक्स गेल क्या है आपका, व्हाइट कलर का है। तो इसी तरह से ब्लू व्हाइट सेलेक्शन के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, कहने का मीनिंग ये है कि ये सेलेक्टेबल मार्कर को हम इस्तेमाल इस टाइप से करते हैं। ये चीज़ आपके एनसीईआरटी में थोड़ा सा हिंट्स दिया हुआ है, सिर्फ हिंट्स दिया है कि कुछ ऐसा होता है,
ठीक है, उस चीज़ को हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। ठीक है, और बार बार हम एक ही चीज़ बोल रहे हैं, देखो बायोटेक्नोलॉजी पूरा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। ठीक है, उसको आप आराम आराम से धीरे धीरे से हर स्टेप्स को पढ़ो, और जिस स्टेप्स पे आपको अगर समझ में नहीं आता आप कमेंट्स करो कि सर इस पॉइंट्स पे हमें समझ में नहीं आया है। हम सेपरेट से उसका 5 मिनट 10 मिनट का जो भी लेक्चर बन पाएगा उसका उतना हम बना के उसको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। बात समझ में आ रही है, बट आप ज़रूर इस चीज़ को करो, क्लियर ना, और मेरे साथ जुड़े रहो, कहीं ना कहीं हम आपको एक एक चीज़ बायोटेक्नोलॉजी का और अदर जो भी चैप्टर्स हम पढ़ाएंगे, ठीक है, सबका बताते रहेंगे आपको। तो ये आपका कहीं ना कहीं इस टाइप का हो गया, ये आपका प्लाज्मिड वेक्टर, ये भी आपका प्लाज्मिड वेक्टर है। नेक्स्ट अदर वेक्टर्स को भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है, लेकिन हम वेक्टर को आज एंड कर देते हैं। ठीक है, वेक्टर को हम क्या करते हैं आज एंड कर देते हैं। अच्छा, वेक्टर वेक्टर में कौन कौन सा वेक्टर, प्लाज्मिड वेक्टर हम ऑलरेडी आपको बता दिए। अब क्या आपको जानना है, अब एक होता है आपका कहीं ना कहीं, सॉरी, ठीक है, तो ये चीज़ हम बता चुके। उसी तरह आपका बैक्टीरियोफाज भी होगा, बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरियोफेज भी आपको वेक्टर की तरह इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो बैक्टीरियोफेज वेक्टर की तरह इस्तेमाल होता है। कौन कौन सा बैक्टीरियोफेज, तो हम बोलते हैं, अब हम सिंपल देखते हैं, एक लैम्डा फेज होगा, और कौन सा होगा, तो हम बोलते हैं एक M13 फेज होता है, ये दोनों इस्तेमाल होता है। ये कैरी करता है, इट कैरी डबल स्ट्रैंड डीएनए को कैरी करता है, और इट कैरी सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, इट कैरी सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को कैरी करता है। इन दोनों के अलावा कहीं ना कहीं हमारा एनिमल के केस में, जब अभी हम देखेंगे, तो एनिमल के केस में आपका रेट्रोवायरस इस्तेमाल होता है। एनिमल के केस में कौन सा वायरस इस्तेमाल होता है, वायरस इस्तेमाल होता है वहाँ पर, एनिमल के केस में आपका रेट्रोवायरस इस्तेमाल होता है एज ए वेक्टर, रेट्रोवायरस यूज्ड एज अ वेक्टर, एज अ वेक्टर आपका रेट्रोवायरस इस्तेमाल होता है। और रेट्रोवायरस एक वायरस है, सिंपली बैक्टीरियोफाज नहीं है, ये वायरस है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ये इस्तेमाल होता है, क्लियर ना। तो बैक्टीरियोफाज के अलावा आपके पास और क्या क्या चीज़ था, तो बैक्टीरियोफाज के अलावा आपका एक चीज़ था कॉस्मिड। देखो, एक आपका वैक्टर था कॉस्मिड, देखो वर्ड क्या है यहाँ पे, कॉस्मिड मतलब दो वर्ड से बना हुआ है। कौन कौन सा वर्ड है यहाँ पे, कॉस और प्लस मिड, इससे बना हुआ। कॉस जो आया है, ये आया है आपका कॉस साइट। कॉस साइट का मतलब कल हम कुछ लेक्चर में बताए थे, कॉस साइट आपका होता है जिसको हम कोहेसिव साइट भी बोलते हैं, कोहेसिव साइट बोलते हैं, या जिसको हम सिंपली ब्लंट क्या उसको बोलते हैं, कोहेसिव एंड, और जिसको आप ब्लंट एंड एक होता है और एक आपका कोहेसिव एंड होता है। ठीक है, तो कोहेसिव एंड हम उसको बोलते हैं, या स्टिकी एंड, सॉरी, ठीक है, या स्टिकी एंड। तो स्टिकी एंड वाला कुछ डीएनए है किसके अंदर, तो ये हम लैम्डा फेज से लेंगे, किससे लेंगे हम, ये लैम्डा फेज से लेंगे। ठीक है, लैम्डा फेज से कॉस साइट लेंगे, ठीक है, और उसको किसके अंदर हम इंसर्ट करेंगे, तो उसको हम प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका कॉस्मिड होता है वो किस चीज़ से बना होता है, कॉस साइट। कॉस साइट किसका है, तो लैम्डाफाज का। लैम्डाफाज का कॉस साइट जो होता है वो 12 न्यूक्लियोटाइड बेस का होता है। कितना होता है, 12 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर का एक सीक्वेंस है जिसको हम कॉस साइट बोल रहे हैं। उसके बारे में हमें डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है, डिटेल में आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, क्लियर। तो हम कहते हैं कॉस साइट और प्लस आपका प्लाज्मिड, ये दोनों मिलके क्या बनेगा आपका, ये दोनों मिलके आपका कॉस्मिड बन जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे सर कॉस्मिड क्या करेगा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका कॉस्मिड इट कैरीज अप टू 45 KB ऑफ डिजायरेबल डीएनए। ये 45 KB का डिजायरेबल डीएनए को कैरी कर सकता है, इसके अंदर ये एबिलिटी है कि ये क्या कर सकता है, 45 KB के किसको ये कर सकता है, तो 45 KB का जो हमारा डिजायरेबल डीएनए होगा उसको कैरी कर सकता है, ये एबिलिटी होता है इसके अंदर। तो ये एक कॉस्मिड हो गया, उसी तरीके से आपका फाज्मिड होगा, तो ये चीज़ आपका ठीक है, क्लियर ना, उसी तरीके से आपका फाज्मिड होगा। चलो हम आज सारे वैक्टर्स को देख लेते हैं, क्लियर ना, आज सारे वेक्टर को देख लेते हैं। फाज्मिड उसी तरीके से आपका एक हो गया फाज्मिड, फाज्मिड, ठीक है, तो फाज्मिड क्या हो जाएगा, फाज्मिड, फाज्मिड क्या होता है बताओ। तो अगर हम फाज्मिड की बात करते हैं तो हम ये किस चीज़ से बनेगा, तो फाज्मिड की बात करते हैं ये भी बोलते हैं, ये बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरियोफाज प्लस मिड। कहने का क्या मतलब है कि बैक्टीरियोफाज प्लस मीड, मीड वहीं से आया है, किससे आया है, प्लाज्मिड से आया है, और किससे बनेगा ये,
बैक्टीरियोफाज, इन दोनों से मिलके क्या बनेगा आपका, फाजविड बनेगा, ठीक है। और ये भी कहीं ना कहीं ये ऑल्सो इट ऑल्सो कैरी लार्ज सिक्वेंस ऑफ डीएनए, ये भी लार्ज सिक्वेंस ऑफ डीएनए को कैरी करता है। तो बाकी इसका बस नाम सब याद रखना, कहाँ से आया है वही सब चीज़ पूछा जाता है आपका, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, नेक्स्ट है आपका, यहीं पे हम देख लेते हैं, चलो नेक्स्ट है आपका ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम। देखो ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम का जो यूज़ किया गया वो कब किया गया, तो वो किया गया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के टाइम पे। हम कहीं ना कहीं बायो इसमें कहीं ना कहीं पढ़ते हैं, किसमें पढ़ते हैं हम, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कह सकते हो या आप बोल सकते हो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम पढ़ते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को, उसके लिए आपका यूज़ किया जाता है क्या ये, क्या ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में किसका, हम ह्यूमन का कहीं ना कहीं जीन डीएनए को क्या करते हैं, सिक्वेंसिंग करते हैं। तो इसके सिक्वेंस करने के लिए हमें क्या चाहिए, ऐसा वेक्टर चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा सिक्वेंस उसके अंदर इंट्रोड्यूस हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा सिक्वेंस उसके अंदर हम क्या कर सकें, इंसर्ट कर सकें। तो हम कहते हैं कि ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम का कब कितना तक इसका सिक्वेंस ये होता है, मतलब एबिलिटी होता है, तो हम कहते हैं इट कैरीज अप टू 1 MB DNA सीक्वेंस, ठीक है। एक MB तक का ये DNA को क्या कर सकता है, कैरी कर सकता है, 1 MB तक के DNA को ये कैरी कर सकता है। उसी तरीके से आपका होता है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, ये सब चीज़ डेवलप किया गया है क्रोमोजोम, ठीक है। ये भी क्या किया गया है, ये भी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के सीक्वेंसिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के डीएनए सीक्वेंस के लिए इस्तेमाल किया गया है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के डीएनए सीक्वेंस के लिए ये भी इस्तेमाल किया गया है। बात समझ में आ रही है। अच्छा, इसमें अगर आप बोलोगे कितने केबी तक ये कैरी कर सकता है, तो ये ऑलमोस्ट 300 to 350 KB तक ये भी कैरी कर सकता है, तो इसका एफिशिएंसी ज़्यादा है। तो आप अगर लार्ज डीएनए को कैरी करवाना चाहते हैं तो हम किसका इस्तेमाल कर लेंगे, ये दोनों का इस्तेमाल कर लेंगे, किसका, बैक्टीरिया का, इसको ऐसे समझो ना कि हमें कोई अगर छोटा सा सामान कैरी करना हो तो हम टू व्हीलर से काम चला लेंगे, टू व्हीलर से हम क्या करेंगे, कोई भी छोटा सामान है उसको लेकर के एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। लेकिन अगर हमें बड़ा सामान को कैरी करवाना है, ठीक है, तो कहने का मीनिंग ये है कि जिस टाइप का हमारा डीएनए का सीक्वेंस, मतलब जिस टाइप का क्या चाहिए हमें, सामान को हमें कैरी करना है, उस टाइप का हम व्हीकल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मान लो हमें घर का फर्नीचर सब कहीं ट्रांसफ़र करना है, तो हम बड़ा सा ट्रक लेकर के आएंगे। तो कहने का मीनिंग, अगर बड़ा सा हमारा सामान है, ज़्यादा सामान है, तो हम ज़्यादा बड़ा ट्रक लेकर के आएंगे। अगर छोटा सामान है तो हम छोटे से ही काम चला लेंगे, टू व्हीलर से काम चला लेंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पे अगर प्लाज्मिड वगैरह है तो प्लाज्मिड वगैरह से छोटा छोटा क्या कह सकते हो आप कि छोटा डीएनए सीक्वेंस को ट्रांसफ़र किया जाता है। लेकिन अगर जहाँ पे हमें ज़्यादा लार्ज डीएनए सीक्वेंस को ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे लार्ज डीएनए सीक्वेंस को ट्रांसफ़र करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हम वहाँ पे यैक, बैक, इन सब का इस्तेमाल करेंगे। अगर मीडियम है तो वहाँ पे हम फाजमिड, कॉसमिड, इन सब का इस्तेमाल कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। एक लास्ट है आपका, और वो लास्ट है आपका कहीं ना कहीं किसके लास्ट होगा आपका, वेक्टर यूज्ड इन फॉर प्लांट, प्लांट के लिए जो वेक्टर यूज किया जाता है, तो प्लांट के लिए कौन सा वेक्टर यूज किया जाता है, तो वेक्टर फॉर क्लोनिंग, अब सिंपली हम बोलते हैं वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट। तो प्लांट के लिए जो यूज़ किया जाता है वेक्टर जो यूज़ किया जाता है प्लांट के लिए, उस वेक्टर का नाम है आपका TI प्लाज्मिड। उस वेक्टर को हम बोलते हैं TI प्लाज्मिड। उस वेक्टर का नाम है वैसे TI प्लाज्मिड, ठीक है। और ये ऑप्टेन कहाँ, TI प्लाज्मिड मतलब इसको हम बोलते हैं ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ट्यूमर
इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड बोला जाता है। मतलब ये एक्चुअल में क्या है, प्लाज्मिड ही है। तो ये ऑप्टेन कहाँ से किया जाता है, तो हम बोलते हैं ये जो ऑप्टेन किया जाता है, ये ऑप्टेन किया जाता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस से। अब बोलोगे सर ये क्या है, तो ये एक बैक्टीरिया है, ये क्या है, एक बैक्टीरिया है। कहाँ पाया जाता है बोलोगे, तो ये सॉइल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, ये सॉइल में पाया जाता है। तो ये क्या करता है, तो आप बोलोगे ये बैक्टीरिया जो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, ये क्या करता है, तो ये क्रॉन गॉल डिजीज काउज करता है, क्रॉन गॉल डिजीज काउज करता है। बोलोगे सर किस में काउज करता है, तो आप बोलोगे ये डाइकॉट प्लांट में काउज करता है, डाइकॉट प्लांट में काउज करता है। पूछोगे डाइकॉट प्लांट का कौन सा पार्ट्स को ये इफेक्ट करता है, तो आप बोलोगे स्टेम को करता है। और स्टेम में भी कौन सा पार्ट्स, तो आप बोलोगे लोअर स्टेम को करता है, लोअर वाले साइड से जो स्टेम है उसको करता है, ठीक है, क्लियर ना। तो हम क्या कहते हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस है जिससे हम क्या निकालते हैं, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड निकालते हैं। इसको हम प्लांट इंजीनियर भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हम प्लांट इंजीनियर भी बोलते हैं, इसको हम प्लांट इंजीनियर भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लांट इंजीनियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम प्लांट इंजीनियर बोलते हैं, ठीक है। तो कहने का मीनिंग यहाँ पे क्या है, ध्यान दो कि ये ट्यूमी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस जो होगा, ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस के अंदर ये वाला प्लाज्मिड है। कौन सा प्लाज्मिड है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है। और जब ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड को हम कहते हैं, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड क्या करेगा, वो कैरी करेगा, किस चीज़ को कैरी करेगा, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, तो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड जो होगा वो कैरी करेगा किसको, डीएनए को कैरी करेगा। और ये जाकर के क्या काउज करेगा, ट्यूमर काउज करेगा, ठीक है। क्रॉन गॉल डिजीज एक कैंसेरियस डिजीज है, क्या है, कैंसेरियस डिजीज है, ठीक है। तो कहने का मीनिंग क्या है, कहने का मीनिंग यहाँ पे टी आई प्लाज्मिड होगा, और ये टी आई प्लाज्मिड जो होगा, इस प्लाज्मिड को हम स्ट्रक्चर ही देख लेते हैं, चलो इस स्ट्रक्चर वो टी आई प्लाज्मिड होता है इस टाइप का। इसके अंदर एक जीन होता है जिसको बोलते हैं वीड जीन, इसके अंदर एक जीन होता है जिसको बोलते हैं वीड जीन, और इसी के अंदर एक जीन होता है जिसको बोलते हैं टी डी एन ए, क्या बोलते हैं, जिसको हम टी डी एन ए बोलते हैं, ट्रांसफर डी एन ए, टी डी एन ए का मतलब है ट्रांसफर डी एन ए, ट्रांसफर डी एन ए, ठीक है। अब क्या होता है, अब क्या होता है, ये क्या करेगा, ये प्लाज्मिड कहाँ जाएगा, ये प्लाज्मिड इस बैक्टीरिया के साथ किसके अंदर जाएगा, किसके अंदर जाएगा, तो ये बैक्टीरिया के अंदर, किसके अंदर जाएगा, तो ये जाएगा प्लांट के अंदर, और प्लांट में डाइकॉट के अंदर, और डाइकॉट के अंदर ये जाकर के क्या करेगा, तो ये वहाँ पे ट्यूमर काउज करेगा। अब ट्यूमर काउज करेगा, ठीक है, तो ट्यूमर काउज करने से क्या होगा, प्लांट का डेड हो जाएगा, नहीं, प्लांट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता इसके ये वाले ट्यूमर से, क्योंकि ये लोकलाइज्ड होता है, ये क्या होता है, लोकलाइज्ड एक पर्टिकुलर पोजीशन पे होता है, बहुत ज़्यादा अगर हो तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो ट्यूमर काउज करेगा, और ट्यूमर काउज करने से फिर क्या होगा, कहीं ना कहीं उसके अंदर उस कैंसरियस सेल के पास कौन चला जाएगा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, और ये वहाँ से फूड ऑब्टेन करेगा और मज़े में वहाँ पर रहेगा, ठीक है। जब हमको ये बात पता चला कि अच्छा, जब हम लोग, जब हमारे साइंटिस्ट को ये पता चला कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस का ये एबिलिटी है कि ये क्या करता है, इसके अंदर एक प्लाज्मिड है, ठीक है, और वो प्लाज्मिड टी आई प्लाज्मिड है, और टी आई प्लाज्मिड क्या करता है, वो क्या कर सकता है, प्लांट के अंदर जा सकता है, ठीक है। तो जब ये हमको पता चला कि ये प्लांट के अंदर जा सकता है, ठीक है, तो फिर कुराफाती दिमाग हम लोग का, मतलब साइंटिस्ट का स्टार्ट हुआ। तो साइंटिस्ट ने क्या करा, साइंटिस्ट क्या किया, अच्छा ये साथ में जा रहा है तो चलो मेरा भी कुछ लेकर के अब जाओ। तो ये क्या किया, जो इसका डीएनए है, इसका जो आपका प्लाज्मिड था टी आई प्लाज्मिड, उस टी आई प्लाज्मिड के अंदर अपना जीन को इंसर्ट कर दिया, जो हमारा डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है, जिस जीन को हम इंसर्ट करना चाहते हैं प्लांट को। जैसे हम सोचो, हम चाहते हैं कि प्लांट हमारा ड्राउट रेसिस्टेंट हो जाए, या हम चाहते हैं कि प्लांट हमारा फ्लड रेसिस्टेंट हो जाए, या हम चाहते हैं कि प्लांट का प्रोडक्शन बढ़ जाए, या प्लांट जो भी प्रोडक्ट दे रहा है उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाए, तो इन सब के लिए जो जीन है, उस जीन को हम क्या करेंगे, टी आई प्लाज्मिड के साथ इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। और जब टी आई प्लाज्मिड के साथ वो जीन किसके अंदर, और टी आई प्लाज्मिड के अंदर हम इंसर्ट कर दिए, अब टी आई प्लाज्मिड कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा किसके अंदर, प्लांट के अंदर, और प्लांट के अंदर जाकर के वो क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा, ऑब्वियसली प्लाज्मिड है तो क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा। जैसे जैसे वो रेप्लिकेट करेगा, वैसे वैसे हमारा जो डीएनए ऑफ इंटरेस्ट था वो भी क्या करेगा, उसके अंदर जाकर के रेप्लिकेट करेगा। अब रेप्लिकेट तो करेगा, लेकिन वो लोकलाइज होगा, एक पर्टिकुलर पोजिशन पे होगा, उससे पूरे प्लांट में नहीं पहुंचेगा, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं
वहां पर का सेल जो होगा वो सेल किससे रेसिस्टेंट, मान लो हम एंटीबॉडी, जैसे मान लो हम कहते हैं कि फ्लड रेसिस्टेंस वाला जीन हमने डाला है, ठीक है, तो उस जगह का जो सेल होगा वो सेल क्या होगा, फ्लड रेसिस्टेंट बन जाएगा। वो जो प्लांट सेल होगा वो क्या बन जाएगा, फ्लड रेसिस्टेंट बन जाएगा। देन हम उस प्लांट सेल को वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, और उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद फिर हम करवाते हैं एक प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर, और टिश्यू कल्चर से उसका हम प्लांटलेट बना लेते हैं, और प्लांटलेट बनाने के बाद उसको हम कहीं ना कहीं क्रॉप फील्ड में डाल करके हम ड्राउट रेसिस्टेंट प्लांट का लार्ज नंबर डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, कि जो टी आई प्लाज्मिड होगा वो टी आई प्लाज्मिड क्या करेगा, वो टी आई प्लाज्मिड ट्यूमर इंड्यूस करता है किसके अंदर, प्लांट के अंदर, ठीक है। तो ये प्लाज्मिड जब प्लांट के अंदर ऑलरेडी जा ही रहा है तो हम क्या करते हैं, इस प्लाज्मिड के अंदर अपना डीएनए को भी इंसर्ट कर देते हैं, तो वो डीएनए भी जो हमारा डिजायरेबल डीएनए है वो डीएनए भी किसके अंदर पहुँच जाएगा, प्लांट के अंदर पहुँच जाएगा, और प्लांट के अंदर पहुंच जाएगा तो कहीं ना कहीं वो जीन हमारा जो हमारा डिजायरेबल जीन है वो रेप्लिकेट करेगा, और जब रेप्लिकेट कर जाएगा तो हम जिस लोकेलिटी में वो रेप्लिकेट कर रहा है वो वाला सेल को हम निकाल लेंगे, और उस सेल को निकालने के बाद उसको हम टिश्यू कल्चर करेंगे, और टिश्यू कल्चर से हम उसका प्लांटलेट बनाएंगे, और प्लांटलेट बनाने के बाद उसको हम क्या करते हैं, क्रॉप फील्ड में डाल देते हैं, और जो भी हम जीन वहाँ पर इंसर्ट कर रहे हैं उस टाइप का हमें क्या बन जाएगा, प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम आज वेक्टर को कंप्लीट कर लिए, ठीक है। और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, ठीक है, लेकिन कोई नहीं, आपका वेक्टर इस तरीके से कंप्लीट हुआ, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कहीं ना कहीं कमेंट कीजिए, ठीक है, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर कमेंट करेंगे तभी कहीं ना कहीं मेरा भी हौसला रहेगा, और हम कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर के आते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।